नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. अभी एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर में अगेन वन कॉन्सेप्ट ओनली, पूरा चैप्टर उसी पे चलता है. आई टेल यू, यू आर अ कंपनी. ओके, आप एक कंपनी है एंड आपका जॉब है टू गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन फॉर वर्किंग कैपिटल. तो जैसे होता है ना कि अपने अपने को आपको करंट एसेट्स खरीदने का है, वो सब जो करने के लिए आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो पैसा आप बैंक से अगर लोन लेते हो तो वो स्टेटमेंट कैसे बनाने का लोन का, वो स्टेटमेंट बनाने का ये चैप्टर है. उसको समझने के लिए इन शॉर्ट आई विल टेल यू देर आर थ्री पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, वन इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट स्ट्रक्चर, वन इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड वन इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल. ओके, चलो. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट स्ट्रक्चर. नाउ इन कॉस्ट स्ट्रक्चर देर आर थ्री कॉलम्स टू बी मेड, पर्टिकुलर्स, कैलक्युलेशन, अमाउंट. प्लीज नो दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका एन्यूअल कॉस्ट बनता है. ठीक है, इट्स एन एन्यूअल कॉस्ट शीट बेसिकली. आर यू देयर? इट्स एन एन्यूअल कॉस्ट शीट. सो क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें यू ऐड वेजेस. क्वेश्चन ने बोला तो इसको प्राइम कॉस्ट करके टोटल दो, नहीं तो छोड़ दो. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दिस विल बिकम योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. इसमें यू ऐड ओपनिंग WIP, यू सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग WIP, यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो इन दिस चैप्टर टेकन टू बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. खत्म हो गया. इसके बाद यू ऐड ओपनिंग FG, यू सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग FG, यू गेट COGS. इन दैट वी ऐड ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, यू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन दैट इफ यू ऐड प्रॉफिट, ओके, यू विल गेट सेल्स. नाउ स्टूडेंट्स, एज फार एज दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न, 70-80% ऑफ द चैप्टर में ना हम लोग ये ओपनिंग क्लोजिंग WIP को सेम अज्यूम करते हैं एंड हेंस ये पार्ट दिखाते ही नहीं, क्योंकि क्या करूँ ना, दिखा के दोनों सेम है तो छोड़ दो. हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग FG को भी सेम अज्यूम करते हैं, तो देन COP COGS सेम हो जाता है. करेक्ट. सो इफ यू सी केयरफुली, अगर ये सब सेम अज्यूम किया ना तो क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दैट विल गिव यू COP COGS. समझा? खत्म हो गया. ऑफिस एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स, दैट्स इट. इतना सिंपल एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने का. ठीक है, एक बार ये कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, यू नाउ नो योर एन्यूअल कॉस्ट. नाउ वी नीड टू गो टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल. कैन आई से कैश यू बाय रॉ मटेरियल्स विथ इट? रॉ मटेरियल्स कैन आई से बिकम्स WIP? WIP कैन आई से बिकम्स फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स बिकम्स डेटर्स एंड डेटर्स बिकम्स कैश. ये आपका साइकिल है, कैश, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड कैश. नाउ वॉट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? द टाइम टेकन बाय कैश टू कम बैक. कैश कितना टाइम लेता है वापस आने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. यहां तक समझा? अभी क्वेश्चन उठता है कि कैश फटक से क्यों नहीं आता है वापस, व्हाई इज इट टेकिंग टाइम? वेरी सिंपल. पहले वो लेट्स टॉक अबाउट रॉ मटेरियल्स का पीरियड. ठीक है, रॉ मटेरियल्स का पीरियड. नाउ रॉ मटेरियल्स का पीरियड का मतलब होता है कि कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीद तो लिया, लेकिन खरीदने के बाद लेट्स से 10 डेज मेरे गोडाउन में रहा हो. यू अंडरस्टैंडिंग? 10 डेज इट रिमेंड इन द गोडाउन. लेट्स से 10 डेज इज रॉ मटेरियल्स का पीरियड. देन इट वेंट टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करने को, ओके, WIP का पीरियड मेरे को और 10 दिन लगा.
समझा। फिर एफजी बन गया, एफजी बनने के बाद वो 10 दिन ऐसे ही बैठा रहा, मेरे को कस्टमर नहीं मिला बेचने के लिए। 10 डेज वो एफजी के फॉर्म में रहा। फिर कस्टमर्स रिसीवेबल्स के पास गया, कहने से रिसीवेबल्स टुक अनदर 10 डेज टू पे मी मनी। तुमको दिख रहा है ऐसे बैठे बैठे आपका 40 दिन लग गया योर फॉर योर कैश टू कम बैक। दिस इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, करेक्ट? सो वाई, वॉट इज दिस 40 डेज? इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ डब्ल्यू आई पी पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ एफ जी पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स पीरियड। रॉ मटेरियल पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय रॉ मटेरियल टू गेट इशूड टू प्रोडक्शन वंस परचेस्ड। डब्ल्यू आई पी पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय रॉ मटेरियल टू बिकम फिनिश गुड्स वंस इशूड टू प्रोडक्शन। एफ जी पीरियड इज द टाइम टेकन बाय एफ जी टू गेट सोल्ड वंस फिनिश्ड। एंड रिसीवेबल्स पीरियड इज बेसिकली योर एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट योर कस्टमर्स टेक। 40 दिन आपका पैसा इधर अटक गया। नाउ लेट से दैट आपका जो सप्लायर था ना, सप्लायर जिनसे आपने रॉ मटेरियल लिया, खरीदा, परचेस किया, दैट सप्लायर चिल्ड्रन गेव यू 15 डे क्रेडिट पीरियड फॉर एग्जाम्पल। सो इफ द सप्लायर गेव यू 15 डे क्रेडिट पीरियड, डू यू रियलाइज आपके गोडाउन में जैसे ही रॉ मटेरियल आता है इमीडिएटली आपको कैश नहीं देना होता है, बरूबर? 15 दिन के बाद आपको देना है कैश। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नेट आप देखोगे तो योर मनी स्टक ओनली फॉर 25 डेज। एवरीबडी क्लियर? दिस होल साइकिल टेक्स 40 डेज, बट योर कैश एंटर द साइकिल ओनली आफ्टर 15 डेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, एंड हेंस नेट योर मनी स्टक ओनली फॉर 25 डेज। सो बेसिकली योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विल बी रॉ मटेरियल्स कन्वर्जन पीरियड प्लस डब्ल्यू आई पी कन्वर्जन पीरियड प्लस एफ जी कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड माइनस पेएबल्स कन्वर्जन पीरियड, एंड दैट स्टूडेंट्स विल गिव यू नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दैट इज 25 डेज। दिस इज डन। सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कॉस्ट स्ट्रक्चर, यू हैव अंडरस्टूड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नाउ आई विल टीच यू द स्टेटमेंट। जो लोन लेना है आपको बैंक से उसका स्टेटमेंट मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। सो द स्टेटमेंट लुक्स लाइक दिस, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ द कॉलम्स वी विल बी मेकिंग इज सीरियल नंबर, पर्टिक्यूलर्स, कैलक्यूलेशन, अमाउंट अमाउंट। ओके, सीरियल नंबर, पर्टिक्यूलर्स, कैलक्यूलेशन, अमाउंट अमाउंट, एंड वर्किंग कैपिटल मतलब व्हाट यू हैव टू डू, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, सिंपल। सो यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर ए, करंट एसेट्स। नाउ इन करंट एसेट्स चिल्ड्रन देर आर 6 करंट एसेट्स यू हैव टू शो। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल स्टॉक, सेकेंड इज डब्ल्यू आई पी स्टॉक, थर्ड इज एफ जी स्टॉक, फोर्थ डेटर्स, फिफ्थ कैश बैंक, सिक्स्थ प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट डू यू रियलाइज विल गिव यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और बेसिकली टोटल करंट एसेट्स माइनस पॉइंट नंबर बी, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो ही है बस। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज आउटर कॉलम विल कीप पुटिंग द नंबर्स एंड देन इन करंट लायबिलिटीज इन इनर कॉलम विल पुट द नंबर्स। टोटल करंट लायबिलिटीज वी विल टेक आउट हियर, ओके, एंड दैट विल गिव यू नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन एंड इन दैट वी विल एड सेफ्टी मार्जिन एट द रेट वॉट एवर परसेंट। यू विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल टेबल, ओके, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द थीम ऑफ द टेबल? थीम ऑफ टेबल इज समथिंग लाइक दिस, वी आर गोइंग टू टेल बैंक, बैंक आई थिंक, मेरे को लगता है कि मेरे को
1 लाख रुपए लगेगा करंट एसेट्स खरीदने के लिए, आपसे लोन लगेगा, प्लीज मेरे को लोन देना। फिर बैंक बोलेगा लेकिन आपके करंट लायबिलिटीज भी तो होंगे, क्रेडिटर्स एंड ऑल दैट। कितना करंट लायबिलिटी होएगा? 30,000 फॉर एग्जाम्पल। तो बैंक बोलेगा देखो करंट लायबिलिटीज आर ऑलरेडी हेल्पिंग यू, दे आर लेंडिंग मनी टू यू ना इन वन सेंस। सी मेरा सप्लायर है, सप्लायर इज गिविंग मी गुड्स ऑन क्रेडिट, वन सेंस लेंडिंग मनी टू मी, एवरीबडी क्लियर? सो बैंक बोलता है कि अगर आपका 1 लाख का करंट एसेट्स होने वाला है, 30,000 करंट लायबिलिटीज है, तो देन आपको नेट रुपया तो 70,000 ही लगेगा, बिकॉज आउट ऑफ 1 लाख 30,000 यू आर ऑलरेडी गेटिंग हेल्प फ्रॉम योर करंट लायबिलिटीज, सो नेट 70,000 ना दैट लोन आई विल गिव यू, हम आपको उतना लोन दे देंगे। तो वो ये स्टेटमेंट है पूरा करंट एसेट्स में कितना। सो बेसिकली द 6 करंट एसेट्स यू आर शोइंग, यू आर टेलिंग बैंक, बैंक दिस इज वेयर ऑल माई मनी विल गेट स्टक माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कहना है समबडी एल्स इज मनी स्टक विथ अस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एक्सेट्रा, नेट मनी बैंक गिव मी दिस मच, ओके दैट इज द होल स्टेटमेंट। सो नाउ द बैंक विल से ओके नाउ शो मी द कैलकुलेशंस, हाउ डू यू नो हाउ मच मनी विल गेट स्टक इन रॉ मटेरियल स्टॉक, हाउ विल यू नो हाउ मच मनी इज गेटिंग गोइंग टू गेट स्टक इन WIP स्टॉक, वो पूरा अभी कैलकुलेशन अपने को दिखाने का है, चालू करें। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आई विल टीच यू रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक का कैलकुलेशन इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बाय 12। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था किधर गया, हाँ इसमें कैन आई से वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एवरीबडी रेडी? विल टेक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड देन पीरियड में वी विल टेक रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड। एवरीबडी क्लियर? एंड वील क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 12 एंड वी विल गेट द नंबर। नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस फॉर्मूला? द लॉजिक ऑफ दिस फॉर्मूला इज सिंपल। लेट से दैट मेरा है ना साल भर में 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, ठीक है? मेरे गोडाउन में 1 महीने का रॉ मटेरियल पड़ा है। रॉ मटेरियल पीरियड मीन्स हाउ मच हाउ इन योर गोडाउन कितने महीने का रॉ मटेरियल पड़ा है बाय 12। सो स्टूडेंट्स इमेजिन दैट वी आर रनिंग अ फैक्ट्री, इन आवर गोडाउन ना देर इज रॉ मटेरियल स्टॉक। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट रॉ मटेरियल स्टॉक। क्या करने का? सिंपल, खुद को पूछने का ये जो स्टॉक है वो कितने महीने का कंजम्पशन है। 1 महीने का, दैट इज अ रॉ मटेरियल पीरियड। ओके आपका साल भर में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होता है? 12 लाख। तो सिंपल, अगर 12 लाख का कंजम्पशन 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना? इट्स दैट सिंपल, इट इज वर्थ 1 लाख रुपीज, दैट इज द कैलकुलेशन। एवरीबडी क्लियर? सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू कीप क्रॉस मल्टीप्लाइंग। कैन यू सी दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर कम्स फ्रॉम कॉस्ट स्ट्रक्चर, दिस कम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग साइकिल, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट वर्किंग कैपिटल। एवरीबडी क्लियर? दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट। नाउ स्टूडेंट्स आई विल टीच यू नेक्स्ट FG स्टॉक। नाउ कैन आई से FG स्टॉक के लिए इट विल बी सम कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट स्ट्रक्चर into some period from operating cycle, can I say divide by 12? I am pretty sure all of you must have understood FG stock ka jo period hai na wo FG ka period rahega, of course FGCP. Now as far as cost is concerned students, I will not take only RMC, I will take cost of production, pura cost of production lenge hum log. Why? Simple, mera FG jo stock hai na, FG ka stock, डू यू रियलाइज FG के स्टॉक के वैल्यू में सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल भी हुआ है, वेजेस भी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हुआ है, पूरा खर्चा हुआ है। इसके लिए मैं COP ले रहा है और सिर्फ RMC नहीं ले रहा है, बट वेन इट कम्स टू रॉ मटेरियल स्टॉक आई होप यू अंडरस्टैंड वाई आई डिड नॉट टेक COP ईयर। यहाँ पे सिर्फ क्यों रॉ मटेरियल कंज्यूम लिया? क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसमें थोड़ी तुम्हारा वेजेस का कोई खर्चा हुआ है, उसमें थोड़ी तुम्हारा ओवरहेड्स हुआ है, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है। सो एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन RM स्टॉक एंड FG स्टॉक, राइट? नाउ वी विल गो टू WIP स्टॉक। कैन सी WIP स्टॉक इज समवेयर बिटवीन RM एंड FG, इट इज समवेयर अबव RM बट इट इज समवेयर बिलो FG। सो वॉट इज इंस्टीट्यूट सेइंग? WIP स्टॉक निकालने के लिए ना 3 पॉइंट करने का, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हुआ है यहाँ पे, वेजेस का भी कुछ खर्चा हुआ रहेगा, ओवरहेड्स का भी कुछ खर्चा हुआ रहेगा। एवरीबडी क्लियर? सो आई विल राइट अगेन हियर RMC
wages, overheads. Now I hope you realize that this will be into WIPCP by 12, WIPCP by 12, WIPCP by 12, correct? Now the question arises that sir, आपको anyways RMC wages overheads तीनों ही लेना है ना and then multiply by WIPCP करना है तो तीनों का total one shot take COP ना and knock it off. But the problem with COP is COP करेंगे तो वो FG बन जाएगा. आपको FG नहीं चाहिए, आपको WIP चाहिए. So what is institute saying? Institute is saying that you assume that आपका जो WIP का stock है ना godown के अंदर, उसके अंदर जो उसके लिए raw material चाहिए वो तो पूरा है, लेकिन उसका कन्वर्जन जो है ना वो आधा हुआ है. 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन. वेजेस एंड ओवरहेड्स आई होप यू रियलाइज आर द कन्वर्जन कॉस्ट. दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू एफजी. सो एंड हाफ मेड डब्ल्यूआईपी बेसिकली कैन आई से विल हैव 100% रॉ मटेरियल बट द कन्वर्जन मस्ट हैव हैपेंड ओनली हाफ. करेक्ट. आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ एन इडली. लाइक इफ यू आर मेकिंग इडली एंड द प्रोसेस इज द कुकर. लेट्स से इन द कुकर इट टेक्स 20 मिनट्स टू स्टीम द स्टीम एंड इडली. सो यू विल बी पुटिंग ऑल द इडली बैटर एट द स्टार्ट ना. इडली का आटा तो आप स्टार्ट में डालोगे कुकर में, फिर कुकर बंद करोगे और फिर गैस चालू करोगे. अब आपने 10 मिनट में अगर वो गैस बंद कर दिया तो कुकर के अंदर जो है वो WIP है. करेक्ट. अब वो WIP में कहना फिर रॉ मटेरियल तो पूरा ही है, सिर्फ उसका वेजेस ओवरहेड ज्यादा हुआ है. दैट इज द लॉजिक ऑफ 150-50. एवरीबडी क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डेटर्स. नाउ इन डेटर्स ना आई होप यू रियलाइज दैट it will be something into receivables period by 12, correct? Now, from the cost structure, do you realize what connects with debtors? RMC, wages, overhead, selling distribution, office admin, COP, COGS? No, sales. I hope you remember. Sales will connect with debtors, but there is a reason why I wrote sales in red. There is some complication here. I will talk about it in some time. Now that you have understood debtors as sales into RCP by 12, can I say creditors will be purchases into PCP by 12? Instead of sales, we write purchases. Instead of receivables period, we write payables period by 12. Everybody clear? Now, students, I'll explain to you outstanding expenses. Outstanding expense mein kya aata hai? Jaise ho gaya outstanding salary. तो बच्चा लोग, अगर मैं ना किसी को 12 लाख का सैलरी देता हूँ साल का और उसको मैंने 2 महीने का सैलरी दिया नहीं, इफ़ आई डू नॉट गिव सैलरी ऑफ 2 मंथ्स, कहने से मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 लाख का रहेगा. कैसे निकाला रहेगा? 12 लाख इंटू 2 बाई 12. सिंपल ना. सो कहने से द फॉर्मूला विल बी वॉट एवर इज द एक्सपेंस विच इज एनुअल एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय द आउटस्टैंडिंग पीरियड बाय 12. और यही सैलरी अगर मैं एडवांस में देता हूँ तो बच्चा लोग वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा. एक्सपेंस इनटू द प्रीपेड पीरियड बाय 12. सिंपल. एवरीबडी क्लियर? एंड देन कैश. स्टूडेंट्स एज फार एज कैश इज कंसर्न दे विल ऑलवेज बी गिवन टू यू. उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. नाउ व्हाट इज दिस लास्ट का पार्ट? ये क्या है? सेलिंग, ये सेफ्टी मार्जिन क्या है? सिंपल है. यू गो टू द बैंक एंड से बैंक मेरे को है ना अभी नेट 70,000 रुपीज का नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन ना ये सब एकदम कट टू कट है. लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है. तो कैन यू प्लीज गिव मी सम प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी? कुछ भी ऊपर नीचे होएगा उसके लिए थोड़ा 10%, 20%, वॉट एवर यू प्लीज गिव मी एक्स्ट्रा. लेट्स द क्वेश्चन टेल्स यू 10%. सो योर फाइनल आंसर विल नॉट बी 70,000, इट विल बी 77,000 एडिंग द 10% ऑन इट. एवरीबडी क्लियर? ये हो गया सेफ्टी मार्जिन. नाउ वी कम टू ये डेटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये डेटर्स का ये जो सेल्स का पार्ट है ना, ये समझने के पहले वन शुड नो something about the cost structure. Okay students, first point remember as a rule, is cost structure mein one should ignore depreciation. Okay, depreciation ko lena nahi into consideration. I will tell you, generally depreciation comes in overheads. Theek hai, overheads mein the question will tell you that is overheads include this much depreciation. Hata do usko immediately, aapke cost structure mein depreciation nahi aana chahiye. क्यों नहीं आना चाहिए? सिंपल लॉजिक. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. करेक्ट. यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट आस्किंग कैश फ्रॉम द बैंक. कहना था बैंक विल बिकम एंग्री. बैंक विल से यू आर इंक्लूडिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड आस्किंग कैश फ्रॉम अस. डजंट मेक सेंस टू आस्क कैश. आप बैंक से क्या कैश मांग रहे हो नॉन कैश एक्सपेंस करने के लिए? ओनली कैश एक्सपेंसिस शुड बी टेकन इंटू कंसिडरेशन. पॉइंट नंबर 1 क्लियर? इसके लिए डेप्रिसिएशन हटा देना पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में से.
दूसरा बात, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, अभी नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस. सी, लेट से योर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 120, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल, योर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 120 एंड योर सेल्स इज 150, 30 रुपीज प्रॉफिट. यू गो टू द बैंक एंड से, बैंक मेरे को ये ट्रांजेक्शन करने के लिए आपसे लोन चाहिए, प्लीज गिव मी लोन ऑफ 150. कह रहे थे, बैंक विल अगेन बिकम एंग्री. बैंक बोलेगा, अरे 150 का लोन क्यों चाहिए? टू डू ऑल दिस ट्रांजेक्शन यू डोंट नीड द प्रॉफिट एलिमेंट फ्रॉम मी ना, यू जस्ट नीड द कॉस्ट एलिमेंट फ्रॉम मी. सो यू टेक अ लोन फ्रॉम मी फॉर योर कॉस्ट, डोंट टेक अ लोन फ्रॉम मी फॉर योर इनकम. एंड हैंस वो प्रॉफिट एलिमेंट भी हटा देना पड़ता है. एंड देयरफॉर इन डेटर्स वी डू नॉट डू इट एट सेल्स, वी डू इट एट कॉस्ट ऑफ सेल्स. एवरीबडी क्लियर? हम सेल्स के जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डेटर्स कैलकुलेट करते हैं. सिंपल, एवरीबडी क्लियर? सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. एक्चुअली ना, ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया ना, इट इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. ओके, नाउ कैश कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग है ना दो आइटम को हटाते हैं यहाँ से. वन इज डेप्रिसिएशन एंड द अदर इज प्रॉफिट. आई अगेन रिपीट, डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट, ये दो आइटम को हम लोग यहाँ से हटाते हैं. इस रीजन की वजह से इसको कैश कॉस्ट कहते हैं. डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट बट नॉट कैश, प्रॉफिट इज कैश बट नॉट कॉस्ट. सो दीज टू आइटम्स, बिकॉज दे आर नॉट कैश कॉस्ट, वी रिमूव देम एंड वी डू द एंटायर कैलकुलेशन ऑन कैश कॉस्ट बेसिस ओनली. सो स्टूडेंट्स कभी कभी ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में दे कैन टेल यू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, और दे विल सिंपली से एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल. डजेंट मैटर इफ दे से और दे डोंट से कैश कॉस्ट, आपको कैश कॉस्ट पे ही करना है, खत्म. एवरीबडी क्लियर? हाँ, देर इज वन स्मॉल चेंज. अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि यू एस्टिमेट ऑन समथिंग कॉल्ड एज टोटल बेसिस, ये वर्ड यूज किया, तो ही आपको यहां पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है. आई होप यू आर लिसनिंग. इंक्लूड डेप्रिसिएशन ओनली इफ टोटल बेसिस. एवरीबडी क्लियर? टोटल टोटल रहेगा तो ही, करेक्ट. एंड डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट भी इंक्लूड करेंगे. प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे का मतलब क्या है? कि डेटर्स विल देन बी कैलकुलेटेड एट सेल्स. एवरीबडी क्लियर? डेटर्स भी विल बी कैलकुलेटेड एट सेल्स. लेकिन अगर वो टोटल बेसिस वर्ड यूज नहीं किया है, इफ दे हैव नॉट यूज दैट टोटल बेसिस, देन आपको कंपल्सरी कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करना है, विच मीन्स यू विल बी गेटिंग COS हियर एंड ऊपर आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं, इग्नोर करना है. ठीक है, so that is this point. Acha, now one more thing regarding creditors. Creditors mein can I say aapko ye purchases dikh raha hai, purchases. Now ye jo purchases item hai na, isko chhod ke aap koi bhi dekho, you see RMC, you see wages, overheads, cost of production, cost of sales, everything you will get in the cost structure. But can I say purchases you will not get in the cost structure? I will tell you something about purchases. Students, you know that RM consumed is equal to opening RM plus purchases minus closing RM. Ye sabko samajhta hai? Students, in this chapter we are going to be assuming opening and closing RM to be same. Okay, we are going to be assuming opening and closing RM to be same, and therefore raw material consumed and purchases will be same. Which means purchases dhoondna nahi, raw material consumed hai na, उसी को परचेजेस लेके आगे जाने का. अच्छा, अभी समथिंग अबाउट WIP. ओके, ना ध्यान से सुनना, ये थोड़ा एग्जाम का, दिस इज स्लाइटली मतलब इट इज समथिंग टू डू विथ योर एग्जाम, जस्ट लिसन केयरफुली. इफ द क्वेश्चन डज नॉट मेंशन एनीथिंग, कुछ नहीं बोलता है, तो आप ये 150-50 करो, बराबर है. सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन ने बोला स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50%, लिसन केयरफुली, हाँ, द क्वेश्चन सामने से टेल्स यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50%, फुल स्टॉप, देन स्टूडेंट्स इन दैट केस आपको तीनों 50-50-50 लेना पड़ेगा. सबको समझा मैंने क्या बोला? 50%, 50%, 50%. सो टेल मी,
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन आरएमसी 100%, वेजेस 50%, ओवरहेड्स 50%. इफ क्वेश्चन सेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50%, देन व्हाट यू विल डू, यू विल डू आरएमसी 50%, वेजेस 50%, ओवरहेड्स 50%. नाउ अनदर केस, इफ क्वेश्चन सेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसा बोला अगर कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, देन स्टूडेंट्स आर एम सी 100, वेजेस 50, ओवरहेड्स 50, बिकॉज स्टूडेंट्स डू यू रियलाइज इट इज ओनली द कन्वर्जन कॉस्ट विच आर टू बी टेकन एज 50%, आर एम सी पूरा लेने का है. तो मतलब उन्होंने सिर्फ 50% बोल के चुप हो गए वो लोग, देन आपको तीनों 50 लेने का है. उन्होंने बोला 50% बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, देन आर एम को 100 ले देना, बाकी दोनों को 50-50. आई एम टॉकिंग ऑफ डब्ल्यू आई पी स्टॉक कैलकुलेशन ना, ओके. एंड कुछ नहीं बोला तो आपका है ही 100-50-50. 50 के जगह पे 60 भी आ सकता है, 70 कुछ भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल दे से नथिंग इज गिवन 100-50-50, लेट से दे से स्टेज ऑफ कंप्लीशन 70% फुल स्टॉप, वॉट विल यू डू, 70-70-70 तीनों. बट इफ दे से स्टेज ऑफ कंप्लीशन 70% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, देन 100-70-70, दैट्स इट. एवरी वन क्लियर? सो दैट वॉज एज फार एज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल थीम इज कंसर्न. अभी इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे आई जस्ट शेयर विथ यू. समटाइम्स दे माइट टेल यू दैट हो यू नो वॉट, लास्ट ईयर ना वी वर वर्किंग ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस, नाउ वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन डबल शिफ्ट बेसिस. नाउ वॉट इज सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट? सिंपल, पिछले साल ना हम लोग 9 घंटा काम कर रहे थे दिन का, अभी हम लोग प्लान कर रहे कि 18 घंटा काम करेंगे, 18 आवर्स. तो नाउ अपने को बोलेंगे यू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर दिस कमिंग ईयर, ठीक है? वो आपको बोलेंगे एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर द कमिंग ईयर. तीन चीज याद रखने का, तीन. पहला, कैन आई से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल डबल. कुछ समझा क्या लिखा है? मतलब पिछले साल जितने यूनिट्स बनाए थे, आने वाले साल के कॉस्ट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ यूनिट्स डबल हो जाएगा. वी आर वर्किंग डबल शिफ्ट ना. सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट विल डबल, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम. तो पिछला साल जो भी वेरिएबल कॉस्ट था वो आने वाले साल में डबल हो जाएगा, पिछला साल जो भी फिक्स्ड कॉस्ट था वो आने वाले साल में फिक्स्ड रहेगा ऑफकोर्स. थर्ड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विल रिमेन सेम. तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ जी सी पी इज 3 months, मतलब योर फिनिश गुड्स टेक 3 months टू गेट सोल्ड. तो यू वर्क डबल शिफ्ट और यू वर्क ट्रिपल शिफ्ट, उसको 3 महीना ही लगेगा. एवरीबडी क्लियर? द पीरियड वोंट चेंज. एंड आई होप यू रियलाइज दीज टू पॉइंट्स ना दैट आई टोल्ड यू इज अबाउट कॉस्ट स्ट्रक्चर, दिस पॉइंट आई टोल्ड यू इज अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. डू यू रियलाइज एक बार आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सेट हो गया, उसके बाद जो मेन आंसर है वो तो यार एक बैलेंसिंग वेयर जैसे ही हो गया. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी बिकॉज द मेन आंसर विल नॉट अंडरगो एनी स्पेसिफिक चेंज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज दैट मेन आंसर, दैट फाइनल आंसर इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग साइकिल. यू डू दैट करेक्ट, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बिकम्स राइट. लास्ट पॉइंट, इन डबल शिफ्ट मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विल रिमेन सेम. इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डब्ल्यू आई पी सी पी विच विल बिकम हाफ ऑफ सिंगल शिफ्ट. मतलब पिछला साल अगर डब्ल्यू आई पी सी पी को तुमको 3 महीना लगता था, तो इस साल डबल शिफ्ट में आपको 1.5 months लगेगा. क्यों? वेरी सिंपल, लास्ट यू आर वर्किंग सिंगल शिफ्ट ना लास्ट ईयर, नाउ इफ यू आर वर्किंग डबल शिफ्ट, सो यूज टू टेक 3 months टू मेक अ यूनिट, नाउ यू विल कंप्लीट इट इन 1.5 months, दैट इज डब्ल्यू आई पी सी पी रिड्यूसेस टू हाफ. दैट मच एज फार एज सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट इज कंसर्न्ड. Next students, they might give you a company which is newly formed. Okay, newly formed. Yaad rakhna, company which is newly formed. Newly formed agar aaya, exam mein bol diya, company newly formed, aisa bola, to matlab kehna hai se uska opening balance sheet zero ho gaya. Barobar, opening balance sheet zero ho gaya. To usme bhi aapko do teen point yaad rakhna hai. Pehla, kehna hai se since opening RM is equal to zero, बरोबर, रॉ मटेरियल ओपनिंग जीरो हो गया,
डू यू रियलाइज अभी मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परच सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ओपनिंग आरएम इज जीरो देन ओपनिंग आरएम विल नॉट बी इक्वल टू क्लोजिंग आरएम अभी बिकॉज ओपनिंग विल बी जीरो क्लोजिंग विल बी समथिंग. कैन आई से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड विल नाउ नॉट बी इक्वल टू परचेजेस. हम लोग अभी तक क्या अज्यूम कर रहे थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेजेस आर सेम, करेक्ट, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग ओपनिंग आर एम क्लोजिंग आर एम टू बी सेम. बट अगर वो दोनों अलग है तो कहना से आर एम सी और परचेजेस सेम नहीं होएगा, परचेजेस विल बी आर एम सी माइनस ओपनिंग आर एम प्लस क्लोजिंग आर एम. ये आपको परचेजेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग क्रेडिटर्स इन द करंट लाइबिलिटीज. आई टेल यू वेयर, ये जब भी आप ये क्रेडिटर्स करोगे ना करंट लाइबिलिटीज में, ये जो परचेजेस है जनरल क्वेश्चंस में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसी को हम लोग परचेजेस अज्यूम करके आगे जाते हैं. लेकिन अगर नया कंपनी है न्यूली फॉर्मड है देन स्टूडेंट्स यू कैन नॉट अज्यूम द परचेजेस टू बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. यू विल हैव टू कैलकुलेट परचेजेस इन दिस फैशन, आर एम सी माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये करना पड़ेगा एंड देन यू गेट द परचेजेस एंड देन यू कैलकुलेट क्रेडिटर्स. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा ना उसमें हम लोग सी ओ पी स्लैश सी ओ जी एस जो लिखते थे ना वो अभी बंद करना पड़ेगा. वी विल हैव टू राइट सी ओ पी प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस क्लोजिंग एफ जी, तब जाके आपको मिलेगा सी ओ जी एस. बिकॉज नाउ यू कैन नॉट अज्यूम दीज टू टू बी सेम ना, बिकॉज द ओपनिंग एफ जी विल बी जीरो क्लोजिंग एफ जी विल बी सम वैल्यू. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में याद रखना सी ओ पी सी ओ जी एस सेम नहीं आएगा. ऑल्सो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी भी तो अलग होगा ना अभी, एंड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी अगर अलग होगा देन स्टूडेंट्स आई होप यू रिमेंबर, आपको ये जस्ट अ मिनट, आपको ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री ये सब जो हम लोग सेम अज्यूम कर रहे थे ना वो नहीं कर सकते. यू विल हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऑफकोर्स विल बी जीरो लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी करके आगे जाना पड़ेगा. एवरीबडी क्लियर? सो दैट इज एज फार एज न्यूली फॉर्म्ड कंपनी इज कंसर्न. इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आ सकता है ऑन कैलक्यूलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ओके, कैलक्यूलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ये क्या है मालूम? बड़ा सिंपल है. देखो, यू नो आर एम सी इंटू आर एम सी पी बाई 12 इज आर एम स्टॉक. अभी दिखाया था ना फॉर्मूला ऊपर, तो अपने को आर एम सी कॉस्ट स्ट्रक्चर से मिलता है, आर एम सी पी ऑपरेटिंग साइकिल दिया रहता है, वी फाइंड आर एम स्टॉक. नाउ द क्वेश्चंस वुड बी लाइक दिस, दे विल गिव यू आर एम सी, दे विल गिव यू आर एम स्टॉक, फाइंड आर एम सी पी. यू आर अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू सी ओ पी, दे विल गिव यू एफ जी स्टॉक, यू फाइंड एफ जी सी पी. यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग साइकिल यूज करके वी आर फाइंडिंग वर्किंग कैपिटल. नाउ वर्किंग कैपिटल एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर यूज करके यू हैव टू फाइंड द पीरियड. बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर. एंड वंस यू गेट ऑल द पीरियड्स आर एम सी पी डब्ल्यू आई पी सी पी एफ जी सी पी सब मिल गया, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मेट. समझा? ऑल करंट एसेट्स की पीरियड्स यू एड एंड करंट लाइबिलिटी का पीरियड यू सब्ट्रैक्ट. सिंपल. एवरी वन डन? सो विद दैट वी कंप्लीट डिस्कशन टू नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. एंड इसमें एक लास्ट आता है टंडन कमिटी करके. ओके, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी. तो टंडन कमिटी ने ना बैंक्स को क्या बोला कि आपके पास ये कंपनीज आते हैं, आप उनको बिंदास लोन देते हो, आप इतना मत देना, थोड़ा कम लोन देना. एंड उसमें दे गिव थ्री फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी स्ट्रक्चर, दे गिव थ्री फॉर्मूलाज दे कैन आस्क यू. सो दे कैन आस्क यू एम पी बी एफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस एज पर फॉर्मूला वन विल बी सी ए माइनस सी एल, और आई माइट राइट इट लाइक दिस, इट इज 75% ऑफ सी ए माइनस सी एल. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. मतलब कंपनीज ना पहले डायरेक्टली इतना लोन देती थी, अभी बैंक बोलते नहीं नहीं इतना ही लोन देना सिर्फ. ओके, दैट बैंक नहीं, सॉरी, टंडन कमिटी. टंडन कमिटी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू एडवाइस द बैंक्स, सो दे सेड गिव ओनली दिस मच अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टू. एम पी बी एफ एज पर फॉर्मूला टू, ओके, विल बी 75% ऑफ सी ए माइनस सी एल, एंड एज पर फॉर्मूला थ्री एम पी बी एफ एज पर फॉर्मूला थ्री विल बी
75% ऑफ कोर सीए माइन ओके नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट आई रोट इट रॉन्ग होल्ड इट विल बी 75% ऑफ CA माइनस कोर CA द होल माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो स्टूडेंट्स इसके अंदर ना एक कोर CA मतलब बेसिकली आपका धंधा चलाने के लिए कोर करंट एसेट्स क्या है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. दे विल गिव यू द कोर करंट एसेट. जस्ट पुट द नंबर्स एंड गेट दीज थ्री आंसर्स. दैट्स इट. 1, 2 एंड 3. ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क के लिए. यू शुड एटलीस्ट नो द 3 फॉर्मूलाज. वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. दे विल गिव यू 3 आइटम्स. दे विल गिव यू करंट एसेट्स. दे विल गिव यू करंट लाइबिलिटीज. दे विल गिव यू कोर करंट एसेट्स. ये 3 आइटम देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट MPBF एज पर टंडन कमिटी अंडर द 3 फॉर्मूलाज. पुट नंबर्स इन द 3 फॉर्मूलाज एंड गेट द आंसर. इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं. ये पता नहीं तुम्हारे बुक में होमवर्क क्वेश्चन 3 हो सकता है. चल सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं. सो यू नो हाउ आई स्टार्ट वर्किंग कैपिटल क्वेश्चंस. वर्किंग नोट 1 विल बी माय कॉस्ट स्ट्रक्चर. वर्किंग नोट 2 में मैं ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड्स डाल दूंगा एंड फाइनल आंसर में अपन वो टेबल बना देंगे. एवरीवन रेडी? चलो सो यहां पे मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन अमाउंट. ओके सो दे आर सेइंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वॉज 60,000. इट इज प्लैंड दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर. ओके विच मीन्स इट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 60,000 यूनिट्स. सो मिल गया. ओके अभी इधर रीड दिस लाइन. सेलिंग प्राइस इज 5 रुपीज पर यूनिट. पूछा क्या है बाय द वे? दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट. ना वही करने का. सेलिंग प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट और वो लोग कहते हैं कि कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो है रॉ मटेरियल इज 60%. सो कैन आई से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी 60,000 इंटू 5 इज योर सेल्स. इसका 60% बोले तो 1,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है. वेजेस का रेशियो वो लोग कहते हैं 10%. तो डू यू रियलाइज इट इज 60,000 इंटू 5 इंटू 10% दैट इज 30,000. एंड ओवरहेड्स. ये ओवरहेड मतलब कौन सा ओवरहेड्स? मैन्युफैक्चरिंग. तो ओवरहेड्स जो है उसका रेशियो है 60,000 इंटू 5 इंटू 20% 60,000. दैट विल कैन आई से गिव यू COP स्लैश COGS बिकॉज हम लोग सेम ही पकड़ते दोनों को. एंड बिकॉज ऑफिस एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है तो ये COS भी हो गया 2,70,000. एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू सेल्स. रेडी? चलो वर्किंग नोट 2 है ना वो मैं ऑपरेटिंग साइकिल के सारे पीरियड्स डाल देता हूं. क्या क्या पीरियड दिया है देखते हैं. रॉ मटेरियल्स का पीरियड दिया है 2 मंथ्स. सो मैं लिख के रखता हूं RMCP 2 मंथ्स. ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस. ये क्या है? WIP CP 1 मंथ. अच्छा अभी है ना आई वॉन्ट यू टू रीड दिस लाइन एंड इमेजिन पाइपलाइन टू बी अ कुकर टू मेक इडली. रीड द लाइन. ये लाइन का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में घुसता है बाकी सब धीरे धीरे घुसता है. ये किसके लिए दिया मालूम है ना? WIP में आपको 150-50 करने का है. जूम वालों समझा? RM 100% आएगा. रेडी? नेक्स्ट फिनिश गुड्स का कहना है 3 मंथ्स का पीरियड दिया. सो FGCP 3 मंथ्स. क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स पेएबल्स 2 मंथ्स.
डेटर्स को हम दे रहे हैं 3 months, रिसीवेबल्स 3 months, वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ. दिस डू यू रियलाइज इज आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स 1 month. समझा, पिछले महीने के लिए हम नेक्स्ट महीने के 1 तारीख को देते, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग. जूम पीपल क्लियर हो गया अपना? मैं आपको बोलूं, अभी आप लोग अगर वर्किंग कैपिटल मैंने जैसा सिखाया ना वैसा करोगे ना, तो आई ट्रस्ट मी यू नीड टू ओनली बी केयरफुल वाइल डूइंग दीज टू वर्किंग नोट्स, बिकॉज नाउ डू यू रियलाइज दैट व्हेन यू मेक द फाइनल आंसर इज जस्ट अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वर्किंग नोट वन एंड वर्किंग नोट टू. कुछ समझ में आ रहा है? आपका W1 W2 करेक्ट है ना, तो नीचे का पूरा बड़ा वाला आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. सबने सुना? ठीक है. सो अभी हम करते हैं सुम वालो, फाइनल आंसर के बाद मिलता हूँ. रेडी? चलो. सो आई विल राइट हियर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. सीरियल नंबर, पर्टिक्यूलर्स, कैलक्यूलेशन, अमाउंट. ए करंट एसेट्स. फर्स्ट आरएम स्टॉक. क्या तुमको याद है आरएम स्टॉक का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाँ, आर एम सी इंटू आर एम सी पी बाय 12, 180 इंटू 2 बाय 12, 180 इंटू 2 बाय 12, आउटर कॉलम 30,000. सेकेंड डब्ल्यू आई पी स्टॉक, इसमें 3 पार्ट है, आर एम सी, वेजेस, ओवरहेड्स. RMC लेना है 1,80,000, वेजेस लेना है 30,000, ओवरहेड्स लेना है 60, जो है ऊपर एज इट इज कॉपी किया मैंने. WIP CP आई गेस 1 month है, और इनको हम लोग लेंगे 100%, 50%, 50%. जितना मेरे को याद है ये 15,000 है, ये 1,250 है, ये 2,500 है, और ये 18,750. समझ रहे? थर्ड एफजी स्टॉक, उसमें हम लोग सीओपी लेंगे, सीओपी याद आ रहा है, सीओपी, एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय द एफ जी सी पी बाई 12 ना, आई गेस 3 months ना, जरा चेक करो, एफ जी सी पी बाई 12, 67,500. डेटर्स, ए डेटर्स सीओएस पे होता है, और वो तो 270 का 270 है ना, और उसका आरसीपी भी आई गेस 3 months ही है. सो ये भी वही नंबर है, 67,500. फिफ्थ कैश, कैश कहीं ना कहीं दिया रहेगा, देखो कंपनी कीप्स कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. क्वेश्चन में कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो आपको टोटल करंट एसेट्स मिलेगा कितना है, 203,750. आया 203,750. रेडी? देन वी गो टू माइनस बी करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर्स.
अभी क्रेडिटर्स डू यू नो इज परचेजेस इंटू पीसीपी बाय 12 परचेजेस, लेकिन परचेजेस अलग से नहीं दिया रहेगा। मैंने आपको बोला ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, वही परचेजेस है, समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर अज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर एम एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम टू बी सेम ना, सो आई गेस द परचेजेस विल बी 1,80,000 एंड जितना मेरे को याद है पीसीपी 2/12 है, तो इनर कॉलम में 30,000। सेकेंड देर आर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स, दोनों का कॉमन है 1 मंथ, तो देन हम लोग एड ही कर देंगे ना 30,000 + 60,000 द होल इंटू 1/12, 7,500 शायद से। सो दिस कम्स टू 37,500। आ रहा है ना? एंड दैट विल गिव यू नेट वर्किंग कैपिटल एज 166,250। और अगर एग्जाम में ऐसा बोला होता सेफ्टी मार्जिन 10%, तो क्या करने का? ये बोला नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, उस पर 10%। सेफ्टी मार्जिन मतलब क्या मालूम है ना, यू आर गोइंग टू बैंक एंड सेइंग बैंक देखो हमको पैसा चाहिए, लेकिन कट टू कट में इतना है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा दो यार, ऐसा समझ में आ रहा? सेफ्टी मार्जिन जुम्मा लो, क्या लगता है, समझा पूरा क्वेश्चन? ठीक है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द ओनली वन क्वेश्चन दैट आईसीएआई हैज ऑन इट, समरीन एंटरप्राइजेस, समरीन एंटरप्राइजेस। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। चालू करें, ओके। तो ये लोग क्या बोलते हैं, देखो, समरीन एंटरप्राइजेस हैज बीन ऑपरेटिंग टिल 31/3/2017 ऑन सिंगल शिफ्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो अभी है ना इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग नोट 1, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें आई विल राइट पर्टिक्यूलर्स एंड सिंगल शिफ्ट ओनली फर्स्ट, डबल शिफ्ट वी विल टेक अप इन सम टाइम, पहले सिंगल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट में आपको दिख रहा है 4,32,000 लास्ट ईयर सेल हुआ था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 था, सो डू यू रियलाइज नंबर ऑफ यूनिट्स 4,32,000 डिवाइडेड बाय 18, 24,000 यूनिट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लास्ट ईयर हम लोग ने 24,000 यूनिट्स बनाए थे, जा रहा समझ में आ रहा है सबको ना? हेलो हेलो जूम वालो क्लियर? ओके, अब इसमें मैं दो कॉलम बनाता हूं, कैलक्यूलेशन एंड अमाउंट, एंड लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये लोग कहते हैं 6 रुपीज पर यूनिट, which means do you realize it is 24,000 into 6, 1,44,000, ready everyone? फिर आते हैं wages पे, wages पे complication है, they are saying 40% is fixed, मतलब can I say 60% is variable, now look at this, huh? wages में मैं दो टुकड़ा कर रहा हूँ, variable and fixed, variable तुमको समझता है 5 रुपए का 60%, सो 5 × 60%, डू यू एग्री 3 रुपीज पर यूनिट इज वेरिएबल, सो आई विल राइट 24,000 × 3, बोलो कितना है, 72,000। लेकिन ना फिक्स्ड कॉस्ट में आई एम नॉट वांटिंग टू राइट लाइक दिस, देयर इज अ रीजन,
कि 60% ये तो 40% वो, नहीं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर एक्सप्रेस्ड ऑन यूनिट टर्म्स, पर यूनिट नहीं बोलते. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, एज ऑफ दिस ईयर 24,000 × 5, ये मेरा टोटल वेजेस था, इसका 40% मतलब 48,000 रुपीस का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था. आर यू एबल सी फॉर वेरिएबल कॉस्ट ना, आई विल एक्सप्रेस इट ऑन पर यूनिट, बट फिक्स्ड कॉस्ट डू यू अंडरस्टैंड ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ऑन पर यूनिट. एवरीवन क्लियर? नहीं तो यार यूनिट चेंज होएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होएगा, वैसा हो जाएगा. एवरीवन फॉलोइंग? नो ओके. नाउ टोटल मारो ये सबका, 2,64,000. क्या ये सीओपी है? नहीं, ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस है. अरे तो आप टोटल क्यों मार रहे हो? मैं इसको नाम दूंगा प्राइम कॉस्ट एज पर कॉस्ट शीट. सुना ये प्राइम कॉस्ट, इधर मजबूरी है, मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में किधर तो उसका मेंशन किया है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेंशन दैट आई एम कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट, अदरवाइज आई वुड हैव इग्नोर्ड. एवरीबॉडी क्लियर? वाई एक्सेट्रा विल डिस्कस व्हेनेवर इट कम्स देयर. जो प्राइम कॉस्ट के बारे में क्या दिया है वो सब बात करेंगे. अभी आगे जाते हैं. वेजेस के बाद कैन आई से ओवरहेड्स आता है. ओवरहेड्स में भी सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन है. 80% फिक्स्ड है मतलब 20% वेरिएबल है. सो मैं यहां लिखता हूं वेरिएबल 5 × 20%, 24,000 × 1. बट जो फिक्स्ड है आपको समझा मैंने क्या किया है? जूम वालों समझा? 96,000. एंड देन व्हेन आई टेक टोटल आई गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 3,84,000. ये था अबाउट सिंगल शिफ्ट. डबल शिफ्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स डू यू रियलाइज विल बी, सिंगल शिफ्ट के जो यूनिट्स थे इनटू टू, दैट इज 48,000. जूम पीपल अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हैं? ओके. फिर हम करते हैं कैलक्यूलेशन एंड अमाउंट. नाउ रॉ मटेरियल्स के बारे में ना इन्होंने कुछ बोला है. दे आर सेइंग इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज्ड टू डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग एन एक्स्ट्रा शिफ्ट. बिकॉज ऑफ दिस इट इज एक्सपेक्टेड दैट माई सप्लायर विल गिव मी अ 10% डिस्काउंट इन रॉ मटेरियल ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम इन बिजनेस. तो कहने से 6 रुपए का जो मेरे को पहला कॉस्ट पड़ता था, 10% मतलब ना 5.4 रुपीज पड़ेगा. एवरीबडी क्लियर? 10% का डिस्काउंट. सो 48,000 × 6 − 10% है ना, कितना आता है? 2,59,200. नाउ वो लोग ने वेजेस वेजेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो देन आई विल कंटिन्यू द सेम. डू यू रियलाइज वेजेस का वेरिएबल विल बी 48,000 × 3, दैट इज 1,44,000. बट फिक्स्ड डू यू रियलाइज विल रिमेन फिक्स्ड ओनली, दैट इज 48. सबको समझ में आ रहा है? फिक्स्ड विल रिमेन फिक्स्ड. सो दैट विल गिव यू अ प्राइम कॉस्ट ऑफ 4,51,200. सिमिलरली अदर ओवरहेड्स जो है उसमें वेरिएबल विल कंटिन्यू टू रिमेन 1 per unit, दैट इज 48,000, एंड फिक्स्ड विल कंटिन्यू टू रिमेन एज अ वैल्यू सेम, दैट इज 9. यू गॉट क्लैरिटी? एवरीथिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट वेरिएबल. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स इज फिक्स्ड. वो सब फिक्स्ड रहता है, नंबर चेंज होता है सर. अमाउंट 595,200 बैठ गया. अच्छा अभी है ना, ये आपका पूरा हो गया सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर रीजन के लिए यहां पे सेल्स लिख रहा हूं, आपको 10 मिनट के बाद समझेगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा, देखते हैं. इसका सेल्स तो दिया ही था ना आपको 4,32,000. आर यू ऑल देयर? एंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, तो ठीक है दिया है तो ले लेते हैं. सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम मतलब 18 रुपीज का जो सेलिंग प्राइस था वो 18 का 18 ही रहेगा. हेलो. एंड देयर फोर डू यू रियलाइज दैट यहाँ का जो सेल्स रहेगा वो रहेगा 48,000 × 18, कितना आता है? हाँ डबल हो जाएगा, करेक्ट, 8,64,000.
8,64,000. Everyone clear? So I guess with that we complete the entire discussion to cost structure. Any doubts? Cost structure thai gayu. Done. अब है ना, वी आर गोइंग टू वर्किंग नोट टू, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. वो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना. तो मैं यहां लिखता हूं वर्किंग नोट टू ऑपरेटिंग साइकिल. और उसमें ना आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट सिंगल शिफ्ट का ऑपरेटिंग साइकिल. रेडी एवरीवन? सिंगल शिफ्ट का ऑपरेटिंग साइकिल. सब लोग ध्यान से सुनना. नाउ क्या डेटा दिया है, देखो. They are saying the credit period allowed to customers, मतलब RCP will remain unaltered. मतलब जो सिंगल शिफ्ट में था वही डबल शिफ्ट में रहेगा, लेकिन सिंगल शिफ्ट में कितना था वो नहीं दिया है. सब लोग को समझ में आ रहा है? Credit availed of from suppliers PCP will continue to remain at the same, that is 2. हाँ, तो एटलीस्ट इतना समझा कि सिंगल शिफ्ट में पीसीपी 2 है, डबल शिफ्ट में भी पीसीपी 2 ही रहेगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स विल कंटिन्यू टू रिमेन हाफ. मतलब सिंगल शिफ्ट में आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स 0.5 मंथ है अभी भी, वो डबल शिफ्ट में भी कंटिन्यू होगा. एवरीवन रेडी? नाउ द क्वेश्चन इज बाकी सब किधर है? सबको समझ में आ रहा है? सो द क्वेश्चन अराइजेस, वेर आर द अदर पीरियड्स? रेडी एवरीवन? बाकी सब किधर है? तो अब उसके लिए आईसीएआई ने आपको मस्त यहां पे घुमाया है. ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू फाइंड आरएमसीपी. रेडी एवरीवन? सिंगल शिफ्ट का आरएमसीपी कैसे ढूंढने का. नाउ यू नो दैट आरएमसी, मैं याद रखो मैं सिंगल शिफ्ट में अभी भी हूं, आरएमसी इंटू आरएमसीपी बाय 12. Can I say will give you RM stock? Do you understand? RMC into RMCP by 12 will give RM stock. Single shift ka RMC aapke paas hai 1,44,000. So do you realize this is 1,44,000. RMCP mere paas nahi hai. To sir RMCP nahi hai to RM stock bhi nahi milega. Lekin ICI bol raha hai, are main hu na. Hello, idhar dekho. ICI ने बोला है RM stock दिया. Everybody are you able to understand? उल्टा जाने का उल्टा. They have given to you the current asset. We have to find the operating cycle period. Everyone clear? So this RM stock is 36,000. So that was the complication in this question. Can I say RMCP will come to 3 months? Everyone following? Point number B. वैसे ही मैं WIPCP निकालता हूँ. और WIP के लिए उन्होंने क्या बोला है, आप लोग सीधा प्राइम कॉस्ट पे खत्म करो. मतलब 100-50-50 का नाटक मत करो. सुनो ना, 100-100-0 करो. व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज फुल रॉ मटेरियल, फुल वेजेस एंड नो ओवरहेड्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो टेक इट एट प्राइम कॉस्ट. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जूम. वालों कुछ समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? प्राइम कॉस्ट पे ले लेंगे. हाँ बोलो, प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा बोलो? प्राइम कॉस्ट इंटू WIPCP बाय 12. चलो WIP स्टॉक. एवरीवन रेडी? ओके बोलो. वो लोग ने क्या बोला? अच्छा, अगर उन्होंने प्राइम कॉस्ट नहीं बोला होता तो हमको क्या करना पड़ता? हमको RMC इंटू 100% वेजेस, वो पूरा मगजमारी करना पड़ता. बट दे प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम दैट. दे आर सेइंग बाबा फॉरगेट इट, टेक इट एट प्राइम कॉस्ट एंड गो अहेड. एवरीवन क्लियर? सिंपल बोलो, प्राइम कॉस्ट ऑफ सिंगल शिफ्ट कितना है? 2,64,000. तो यहां पे मैं लेगा 2,64,000 इंटू WIPCP बाय 12 एंड दे आर टेलिंग यू WIP स्टॉक इज हाउ मच? 22,000. सो आई होप यू रियलाइज WIPCP केम टू 1 month. अभी समझा? और मैं क्या बोल रहा था, 100-100-0 मतलब प्राइम कॉस्ट ना, do you realize is 100% raw material, 100% wages and basically 0% of manufacturing overheads. If they wouldn't have mentioned prime cost, I would have gone 150-50. You're understanding na? Tino le liya hota maine. But yeah, abhi samjha kya bol raha hu? Pakka clear? Okay, main pura prime cost na, prime cost is RMC plus, prime cost is RMC into 100% plus wages into 100%. Samajh mein aa raha hai?
plus manufacturing overheads into 0%. वैसे डन जूम वालो क्लियर ओके डब्ल्यू आई पी सी पी वन मंथ आया चलो पॉइंट नंबर सी लेट्स गो फॉर एफ जी सी पी नाउ एफ जी सी पी टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा खत्म करो उसमें तो डू यू रियलाइज सी ओ पी इंटू एफ जी सी पी बाय 12 विल गिव यू द एफ जी स्टॉक सी ओ पी इन आवर सिंगल शिफ्ट टोटल कॉस्ट 384,000 तो मैं यहां करता हूं 384,000 इंटू एफ जी सी पी बाय 12 इज इक्वल टू कितना है 72,000 ठीक है सो दैट कम्स टू एफ जी सी पी ऑफ हाउ मच 2.25 मंथ्स हो गया अब पॉइंट नंबर डी डेटर्स मैं डेटर्स का लिख रहा हूं आरसीपी चाहिए ना अपने को आरसीपी पीरियड चाहिए पीरियड हे आरसीपी का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू आरसीपी बाय 12 विल गिव यू डेटर्स ए हेलो एवरीवन फॉलोइंग ना कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू आरसीपी बाय 12 अरे ये अपना रोज का फॉर्मूला हेलो डेटर्स का अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है एवरीवन लिसन डेटर्स इन्होंने दिया है 1,08,000 सुनो हाँ ध्यान से ये है 1,08,000 ये आरसीपी बाय 12 और कॉस्ट ऑफ सेल सिंगल शिफ्ट का एज यू नो इज 384,000 तो मैं यहां लिखता हूं 384,000 जूम वालो समझ रहा है क्या कर रहा हूं पक्का ना सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इससे आरसीपी कितना आएगा 3.375 मंथ्स स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग ओके व्हाई दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस दैट दे हैव गिवन टू यू आई एम सॉरी दिस दैट दे हैव गिवन टू यू इज एज ऑन 31/3/2007 का बैलेंस शीट का फिगर अकाउंट्स बैलेंस शीट से उठा के दिया है अभी जब बैलेंस शीट में डेटर्स जाता है ना ये आपको समझ में आता है ये कोई कॉस्ट पे निकाला हुआ डेटर्स नहीं रहता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होता डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है सो इन अकाउंट्स वी नेवर वैल्यू डेटर्स एट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन अकाउंट्स वी ऑलवेज वैल्यू डेटर्स एट सेल्स विच मीन्स जूम वालों समझ में आ रहा है विच मीन्स डू यू अंडरस्टैंड दैट दीज डेटर्स आर एट सेलिंग प्राइस विच इज वाई कैन आई से यू विल हैव टू टेक इट एट सेल्स एवरी वन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड यू विल हैव टू टेक इट एट सेल्स और आपका जो सेल्स है ना सिंगल शिफ्ट वाले का वो कितना है 432,000 है तो ये 432,000 आपका जो सेल्स है उसको आप लोगे तो आपको आरसीपी दे बताओ कितना आता है जूम वालों समझा आरसीपी 3 और यू कैन आर्ग्यू नो नो सर आई वॉन्ट टू डू इट एट कॉस्ट ऑफ सेल्स ओनली तो ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू आरसीपी बाय 12 विल गिव यू डेटर्स बट देन वो डेटर्स सेलिंग प्राइस पे नहीं रहेगा ना कॉस्ट प्राइस पे एक मिनट हम जो बैलेंस शीट में डेटर्स करते हैं ना सुनो ना बैलेंस शीट में जो डेटर्स करते हैं डू यू अंडरस्टैंड वो सेलिंग प्राइस पे रहता है हम जो स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में डेटर्स करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे रहता है बिकॉज वो बैंक मैनेजर भड़कती है ना कि तुम लोग क्या ये प्रॉफिट घुसा के लेके आए हो समझ में आ रहा है तो उस रीजन के वजह से हमने बैलेंस शीट से जो डेटर उठाया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला नहीं रहता है समझ में आ रहा है अभी वो कौन सा रहता है सेल्स वाला पक्का तो अगर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया यहां पे और यहां पे डेटर्स बैलेंस शीट से उठाए तो उसका तालमेल नहीं है जा रहा है भेजे में बैलेंस शीट का जो डेटर्स रहता है वो सेल्स पे किया जाता है लेकिन आप बोलोगे नहीं हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले में जो रुचि है तो ठीक है आप कॉस्ट ऑफ सेल्स से करो लेकिन फिर बैलेंस शीट वाला डेटर्स नहीं उठाना कुछ समझ में आ रहा है आपको स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला डेटर्स लगेगा जा रहा है भेजे में कॉस्ट प्राइस वाला लगेगा कॉस्ट प्राइस वाला ओके समझा यहां तक अब मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम्हारा कितना 384,000 है इंटू आरसीपी बाय 12 नाउ टेल मी वॉट इज रॉन्ग इन टेकिंग 1,08,000 टेल मी
that 1,08,000 is the debtors from your balance sheet, which must have been calculated by passing journal entries like debtors account debit to sales, which means that 1,08,000 must be including profit. It must be at selling price. And that has no connection with 384 ka cost. Kuch samjha? To iska matlab isme se mereko profit element nikalna padega. Simple. Ye ja raha hai bheje mein. Kaise nikalo? To uske liye na, you go back to the cost structure. Cost structure mein tumko dikh raha hai 2-2 rupaye ka profit hai. हर 18 रुपए के सेल्स में 2 रुपए का प्रॉफिट है. मतलब कहना इसे कॉस्ट 16 रुपए का है. कम ऑन एवरीवन, व्हिच मींस डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इनटू 16/18 अगर अपन करते हैं, जा रहा है भेजे में, दिस इनटू 16/18 करेंगे तो यू रियलाइज यू विल गेट इट एट कॉस्ट प्राइस. सो यू डू द कैलकुलेशन, 3,84,000 इंटू आरसीपी बाय 12, ये कितना आता है बाजू में? 96 है. Now you calculate please. It will tally now. Of course it has to tally. Zoom alo samjha. What was the mistake in taking cost of sales here and 1,08,000 here? Meri baat samjho. Raw material stock mein problem nahi hota hai. Finished goods stock mein problem nahi hota hai. Problem happens in debtors. The debtors that we have in accounts are different from the debtors we have in statement showing estimation of working capital. Why? Because the debtors we have in accounts are the debtors we calculate at selling price. Because such mein yaar debtors cost of sales pe nahi nikalte hai. Debtors sales, mere ko debtors se cost of sales thodi recover karne ka rehta hai. Debtors se sales recover karne ka rehta hai. Lekin main wohi debtor leke jab bank se loan mangne jata hu na, to bank bolta hai profit element kyun dal rahe ho andar, wo nikalo. Correct, which means when we are making the statement showing estimation of working capital, I'm not saying balance sheet, FM ka baat kar raha hu, statement showing estimation of working capital, us statement mein jo debtors aata hai, wo debtors mein profit element nikala hua rehta hai, jiske wajah se hum COS pe karte. Correct, and COS pe calculate kiye hue debtors cost price pe value hue rehte hai, us pe profit element nahi rehta hai. करेक्ट. तो अब मेरे को आपको पूछने का है, ये जो 1,08,000 आपको क्वेश्चन में दिया था कि एज ऑन 31st मार्च द कंपनी हेल्ड, मतलब बैलेंस शीट में देर आर डेटर्स ऑफ 1,08,000, दीज 1,08,000 डेटर्स आर फ्रॉम बैलेंस शीट और फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? बैलेंस शीट, विच मीन्स दे आर एट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स दे मस्ट बी वैल्यूड एट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स ना, हेलो, समझ में आ रहा है? वैल्यूड एट सेल्स, करेक्ट. सो यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ टेकिंग सीओएस हियर? तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ये, बिकॉज सेलिंग प्राइस पे था, मैंने यहां पे सेल्स लिया. कुछ समझा? अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं? इसका जरूरत नहीं था, लेकिन खुजली बोलते ना करके मैं कर रहा हूं वापिस. ऑल्टरनेटिवली वी विल से, सर नो नो आई वांट टू कंटिन्यू विथ सीओएस. ठीक है, देन डोंट टेक डेटर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, यू टेक डेटर्स एट कॉस्ट प्राइस. नाउ हाउ टू डू एट कॉस्ट प्राइस, लाइक दिस. समझ में आ रहा है? इनटू 16/18 करने का. 16/18, अभी इधर देखो, 16 किधर से आया? इधर देखो, 6 + 5 = 11 + 5 = 16. आपको समझ में आ रहा है? एक यूनिट बनाने का 16 रुपए का खर्चा आता है, उसको आप बेचते हो 18 रुपए पे. ये जो 1,08,000 है वो 18 के हिसाब से है, तो 16 के हिसाब से कितना? एंड दैट इज 96,000. एंड आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ द मंथ्स पीरियड विल कम सेम. नो, क्लियर? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग वो सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें ना मैं आपको बोलूँ अपना मेजर काम हो गया था. मेजर काम ना, बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर वॉज रेडी, ऑपरेटिंग साइकिल वॉज रेडी, वी हैव टू ओनली डू वर्किंग कैपिटल. हाँ, तो वील स्टार्ट डूइंग इट नाउ. क्वेश्चन 3, चलो. स्टेटमेंट,
showing estimation of working capital, serial number, particulars, calculation, amount. A करंट एसेट्स. एक मिनट रुको, हाँ सब लोग सुनो, जूम वालों, एक मेरे से गलती हो गया इधर. अपने को है ना ये क्वेश्चन जो है ना इसके एंड में, इफ यू सी, थैंक यू, इसके एंड में इफ यू सी दे हैव आस्क्ड यू ना नॉट वर्किंग कैपिटल बट समथिंग कॉल्ड एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल. इसका मतलब ये है कि आपको है ना, मेरे से रह गया, या आप लोगों को सिंगल शिफ्ट का भी करना पड़ेगा, डबल शिफ्ट का भी करना पड़ेगा, और उसके अंदर अमाउंट कैलकुलेशन एंड अमाउंट ऐसा कॉलम बनेंगे, कैलकुलेशन एंड अमाउंट लाइक दिस वी हैव टू डू बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर एडिशनल. मींस फाइंड सिंगल शिफ्ट का, फाइंड डबल शिफ्ट का एंड फाइंड द डिफरेंस, दैट इज एडिशनल. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, चलो सो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला है आर एम स्टॉक. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट सिंगल शिफ्ट इज आर एम स्टॉक वर्क. सब दे दिया है ना तुमको, अपने को यहीं से उठाने का डायरेक्ट. याद है कल आर एम स्टॉक दिया था हमने, आर एम सी पी ढूंढा था. सो दिस इज आर एम स्टॉक. कैलकुलेशन में आई विल से गिवन 36,000, लेकिन डबल शिफ्ट में 2,59,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज द आर एम सी एंड 3/12 ना, 3 months इज आर एम सी पी, जरा चेक करो. ओके एंड दैट विल गिव यू हाउ मच? 64,800. तुम्हारे पास जूम वालों है ना कल का नोट्स? सो डबल शिफ्ट में यू कैन सी दिस आर एम सी इज 259,200 and 3 months is the RMCP which we calculated in working note 2 yesterday. Okay, chalo second WIP. ha to yahan pe main likhta hu WIP stock. again single shift mein it is given to us 22,000. aur ab double shift ke liye we will have to calculate, लेकिन वो 150-50 वाला कुछ नाटक नहीं करने का है, सीधा प्राइम कॉस्ट पे उठाने का है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो जरा मुझे बताओ डबल शिफ्ट के कॉस्ट स्ट्रक्चर में प्राइम कॉस्ट कितना है? 451,200. एक चीज में बोलना रह गया कल घाई घाई में. स्टूडेंट्स येस्टरडे इन वर्किंग नोट 2 पे जाओ जरा. वर्किंग नोट 2 में आपने जो ऑपरेटिंग साइकिल निकाला है, आर एम सी पी 3 months, एफ जी सी पी 2.25 months, और क्या किया, डब्ल्यू आई पी सी पी अपने 1 month निकाला है, आर सी पी 3 months निकाला है, पी सी पी आई होप दे आर गिवन टू यू 1 month, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवर हेड्स दे आर गिवन टू यू 0.5 months. अपने देखा रहेगा मैंने इसके ऊपर हेडिंग दिया है सिंगल शिफ्ट करके, दिख रहा है ऊपर? येस्टरडे आई गेव यू द हेडिंग सिंगल शिफ्ट. डबल शिफ्ट का किया ही नहीं हम लोग ने, करेक्ट? सो एज प्लीज नोट पीसीपी 2 months है, ओके पीसीपी इज 2 months. प्लीज नोट सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट में पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सेम ही रहता है, एक्सेप्ट डब्ल्यू आई पी सी पी जो इंटू 1/2 होके इधर 0.5 months होएगा. सबको समझ रहा है? याद है कल का डिस्कशन? एवरीथिंग ऑल आइटम्स विल रिमेन सेम, ओनली डब्ल्यू आई पी सी पी विल चेंज बाय हाफ. रेडी? याद है वो कल एफ एम वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, 10 दिन ऐसा कुछ तो दिया था मैंने, 5 घंटा पढ़ेंगे तो 10 दिन में होएगा, डबल पढ़ेंगे तो आधे में होएगा, ऐसा याद है वो वाला डिस्कशन? पूरा वही है ना, इफ यू वर्क डबल शिफ्ट रिड्यूस बाय हाफ. चलो गॉट इट, ग्रेट. सो ओके, सो डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल बी प्राइम कॉस्ट इनटू डब्ल्यू आई पी सी पी बाय 12.
prime cost into the prime cost in the double shift you will find is 451,200 in the cost structure. WIP CP as you know 0.5 months होगा अभी लिखा मैंने, तो मुझे बोलो कितना आता है? 18,800. थर्ड एफ जी स्टॉक, चलो सो एफ जी स्टॉक गिवन 72,000. सो दिस इज 72,000 फॉर डबल शिफ्ट. बोलो क्या करेंगे? याद है क्या फॉर्मूला? सी ओ पी इंटू एफ जी सी पी बाय 12. सिंपल यार, सी ओ पी कितना है उसका डबल शिफ्ट का? 595,200 एंड आई गेस द एफ जी सी पी इज 2.25 बाय 12. यस, 111,600. 111,600 डन. फोर्थ देर आर डेटर्स. अभी देखो कल का लेक्चर में मैंने जितना चिल्लम चिल्ली किया रात को वो उसके बाद आप लोग फिर भी आए हो मेरे अवभाग्य. बट आई होप मेरे को आप वापिस चिल्लाने पे मजबूर नहीं करोगे व्हेन आई विल टेल यू दैट आई कैन नॉट टेक दिस नंबर. व्हाई आई कांट टेक दिस नंबर? बिकॉज डू यू रिमेंबर दैट दिस इज एट सेलिंग प्राइस. If I put this number in the statement showing estimation of working capital, then Nandini will become angry. You remember na? Bank manager भड़क जाएगी. हाँ, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? Cost price पे लेना पड़ेगा. तो इसको करने का दो तरीका है. You go to your cost structure, and cost structure में what is cost of sales? Cost of sales for the single shift year. हाँ, तो 384 कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कैन आई से इनटू 3/12 ना. 3 इज द आरसीपी यू हैव कैलकुलेटेड यस्टरडे आफ्टर सो मच ऑफ हंगामा इन द क्लास. ओके, सो टेल मी हाउ मच विल यू गेट? 96. और कुछ लोग चिल्लाएंगे सर ये तो कल 96 आया था अपने को, यू नो हाउ वी हैड गॉट दिस 1,08,000. मेरे हाथ कांप रहे हैं लिखने के, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ. इंटू 16/18 वही है ना यार नंबर 96,000. एवरीवन डन? ओके, एंड उस साइड में क्या आएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ सेल्स 595,200 इंटू 3/12 148,800. आई थिंक इधर नहीं कैश, कुछ कैश वैश नहीं है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं है. खत्म करो, यू विल गेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स. हाउ मच? 226,000, 344,000. 344,000 डन. चलो अब करेंगे माइनस करंट लायबिलिटीज. माइनस करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट लायबिलिटीज में पहला आता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का आई थिंक पीसीपी तुमको क्वेश्चन में दे दिया था 2 months. तो बताओ मेरे को व्हाट आर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द फर्स्ट ईयर? 144,000 इंटू 2/12 और ये आई गेस 259,200 इंटू 2/12. पहला वाला 24,000, 43,200. सूम पीपल आर एबल टू कैच अप विद मी ना? समझ रहा क्या चल रहा है? कल का क्वेश्चन अधूरा रह गया था, वो कंप्लीट कर रहे हैं अधूरे. रेडी? चलो लेट्स मूव ऑन. और कुछ आउटस्टैंडिंग भी है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स. वो आई गेस 0.5 मंथ्स दिया था क्वेश्चन के अंदर. लेकिन ना अभी इसमें क्या है मालूम, आपके जो वेजेस है ना वेजेस, उसका वेरिएबल उसका फिक्स्ड, ओवरहेड्स का वेरिएबल उसका फिक्स्ड, सब चारों आइटम ऐड करो. ऐड करके वन शॉट नंबर बताओ. 240,000. जूम वालों समझा क्या बोल रहा हूँ? आउटस्टैंडिंग वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है ना, सब कुछ. सो सबका टोटल मार के 240,000 इंटू 0.5/12 और उधर 336,000 इंटू 0.5/12. यस, और उधर 14 है ना. hmm.
that will finally give you your net working capital 1,92,000. Therefore, additional WC, जितना मुझे याद है, देखो टैली करो आ रहा है कैसा कुछ नंबर, हाँ 94,800, समझा ना हाउ यू गॉट इट, 286,800 माइनस 1,92,000. ओके चलो, विद दैट वी फिनिश सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट. एक तीसरा भी एडजस्टमेंट है WIP से रिलेटेड, लेकिन वो अभी नहीं बोल रहा हूं, पहले एक सम करते हैं इसको लेके, ठीक है. चलो बहुत खतरनाक समय है. क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास था ये MA लिमिटेड करके, अच्छा चलो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. इट इज होमवर्क क्वेश्चन 22 इन नवंबर 23 टेक्स्ट बुक. सो इफ यू आर फ्रॉम नवंबर 23 बैच JKSE, देन उसका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22. रेडी क्वेश्चन नंबर 2, चालू करें क्वेश्चन नंबर 2. ओके सो व्हाट आर दे सेइंग, मा लिमिटेड ओके इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक कंपोनेंट. द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेंड फॉर द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स विच इज द फुल कैपेसिटी. रेडी ओके नाउ फुल कैपेसिटी मतलब अगर ये फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं तो ये सारे खर्चे होंगे. एवरीवन क्लियर, दिस इज दे आर गिवन टू यू ऑन अ पर यूनिट बेसिस. रेडी नाउ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 96 एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल. ठीक है, अब है ना दिस चेंजेस द नक्शा ऑफ द क्वेश्चन. इन द फर्स्ट इयर्स ऑफ ऑपरेशन, मीनिंग दिस इज टू बी सॉल्व विद द लेंस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज. ए दैट मीन्स मैंने फुल कैपेसिटी पे काम किया ही नहीं है, सबको समझ में आ रहा है. मैंने फुल कैपेसिटी तो मेरा 12,000 यूनिट का था, मैंने फुल कैपेसिटी पे काम किया ही नहीं, जा रहा है भेजे में. ठीक है सो स्टूडेंट्स बिफोर वी गो अहेड ना, इतना सा वापिस पढ़ना पड़ेगा टू मेक द कॉस्ट स्ट्रक्चर. एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर अपने को दोनों साल का करना पड़ेगा. आर यू एबल, वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ ईयर्स, आर यू लिसनिंग. तो देन अगर मेरे को दोनों साल का WC करने का है तो दोनों साल का मेरे को कॉस्ट स्ट्रक्चर लगेगा, दोनों साल का ऑपरेटिंग साइकिल लगेगा. देयर आर टू ट्राइंगल्स ना बेसिकली, यू गेटिंग इट. सो आई विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर फास्ट ट्रैक. रेडी क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे आप लोगों को कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2 मिला ना नोट्स. हाँ ओके ओके ठीक. सो आई विल राइट हियर वर्किंग नोट 1 कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर ओके फॉर ईयर्स 1 and 2, कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर ईयर्स 1 and 2. रेडी ओके सो मैं यहां लिखता हूं पर्टिकुलर्स ईयर 1 year 2. रेडी दोनों का करने का है अपने को. तो अभी इंफॉर्मेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन में ऐसा बोला है ईयर 1 में ना 6,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 5,000 यूनिट्स आर सोल्ड. तो मैं यहां लिखता हूं 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 5,000 यूनिट्स सोल्ड. ईयर 2 में क्या हो रहा है, 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 8,500 यूनिट्स सोल्ड. 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 8,500 यूनिट्स सोल्ड. एंड देन व्हाट विल वी डू, वी विल राइट कैलकुलेशन अमाउंट.
कैलक्यूलेशन अमाउंट, कैलक्यूलेशन अमाउंट, कैलक्यूलेशन अमाउंट. एवरीवन रेडी? ओके. सो एनीवन रिमेंबर्स पहले क्या आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर में? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके ओके, टेल मी, रॉ मटेरियल कैन आई से इज 40 रुपीज पर यूनिट. हे, 40 रुपीज पर यूनिट सोल्ड की 40 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड? प्रोड्यूस्ड, पक्का ना, समझ रहे? सो दिस विल बिकम 6000 इनटू 40, दिस विल बिकम 9000 इनटू 40, 240,000 एंड 360,000, पक्का. सिमिलरली वेजेस, वेजेस इज 20 रुपीज पर यूनिट, सो दिस इज 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू 20 and this is 9000 units produced into 20, 180,000. Done? अभी रुक जाने का, आगे लिखना नहीं. There is a reason. कहानी में twist छे, twist. Ready? Okay. So अब ना मेरे को पता है ना next अपन क्या लेते हैं, manufacturing overheads लेते हैं. Okay, yes. So don't write this. Huh? Manufacturing overheads is how much per unit? 6. So I would write 6000 into 6 and 9000 into 6. This will come to 36,000 and this will come to 54,000. Now I want you to read this word. And do you understand? I have made it variable. Come on everyone. Tumko samajh mein aa raha hai? Wo hai fixed. Lekin maine jo calculation kiya hai, usme to bechara variable ho gaya. तो देन, ओ सर फिक्स्ड है, हाँ सॉरी सॉरी, यहां पे भी 36 आना चाहिए. इसमें क्या गलत है? अभी इसमें गलत ये है कि क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, वो बोल रहा है कि जब भी 12,000 यूनिट आप बनाओगे ना, उस टाइम पे वो 6 रुपया पर यूनिट बनता है, विच मीन्स अगर आप 12,000 यूनिट बनाते हो तो कैन आई से 72,000 रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बनता है. तो बच्चा लोग, फिर आप 12,000 बनाओ कि 6,000 बनाओ कि बनाओ ही नहीं, कैन आई से 72 विल रिमेन 72? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 72 विल रिमेन 72, पक्का ना, सबको समझा? सो मैं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में लिखूंगा 12,000 इंटू 6, दैट इज 72, एंड दैट इज सेम, दैट इज 72. आई होप नो बडी विल वेक अप इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स एंड टेल मी 12,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया जब हम 6,000 बना रहे थे. हेलो, बिकॉज 6,000 और ये 9,000 का कोई लेना देना ही नहीं है विद दिस, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ यूनिट कॉस्ट. एवरीवन क्लियर? ग्रेट. आई वुड लाइक टू राइट योर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवर इट्स. अलग अक्षत, क्लियर? समझायू? समझ में आवे? ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट आइटम दैट आई विल टेक, ओके, इज डेप्रिसिएशन. हे, डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल और फिक्स्ड? फिक्स्ड. इट इज नॉट वेरिएबल ना, इट डज नॉट वेरी विद अ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. सो कैन आई से वो भी 12,000 इंटू 10 होएगा? तो मैं यहां लिखता हूं फिक्स्ड डेप्रिसिएशन 12,000 इंटू 10, 120,000, सेम 120,000. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स. ये वो भी फिक्स्ड है 12,000 इंटू 4, तो मैं यहां लिखता हूं फिक्स्ड एडमिन. लोग भड़कना शुरू हो गए लगते हैं मेरे ऊपर. 12,000 इंटू 4, दैट इज 48,000, एंड दैट इज रिमेनिंग सेम, दैट इज 48,000. अभी इसका टोटल मानेंगे ना तो आपको कितना आता है? इधर आएगा 6,00,000, इधर आएगा 7,80,000. जरा चेक करो ये नंबर्स. आया 6,00,000 और 7,80,000, और ये आपका हो गया सीओपी. अब इसमें आपकी अंतरात्मा दो चीजों पे किंचाड़ रही है, मतलब शाउट कर रही है. रेडी एवरीवन? दो चीजों में उसको उसको प्रॉब्लम है. पहला, डेप्रिसिएशन क्यों लिया?
दूसरा, सर हाउ डेयर यू टेक एडमिन ओवरहेड्स इन सीओपी? अरियल देर, हम लोग ने हमेशा एडमिन ओवरहेड्स को सीओपी से बाहर रखा है, करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है, हमने हमेशा सीओपी को एडमिन से बाहर रखा है. तो देर आर टू एरियाज हियर वेयर आई हैव डिविएटेड फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी. एवरीबॉडी क्लियर? सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एड्रेस डेप्रिसिएशन. रेडी? क्यों लिया? उसका कारण है क्योंकि उन्होंने आपको डब्ल्यूसी टोटल बेसिस पे लेने बोला है. क्या तुमको याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, शेमलेसली करके एक वर्ड भी यूज किया था अगर आपको याद है. इफ नथिंग इज गिवन वी डू ऑन कैश कॉस्ट, आई अंडरस्टैंड, बट इफ दे आर टेलिंग यू टू डू इट ऑन टोटल बेसिस देन वी विल हैव टू टेक डेप्रिसिएशन. याद है ए वाले केस में डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नहीं निकालेंगे हम लोग, सेल्स पे निकालेंगे. याद है क्या ये सब डिस्कशन? कल का ही है. हेलो, क्लियर? सो एटलीस्ट डेप्रिसिएशन इज सॉर्टेड. Why we have taken? Now can I say there is only one problem still left as to why we have taken admin. I will address this in 5 minutes. Everyone ready? I will address this in 5 minutes. Okay? I will not tell ICNL या मैं क्या करूँ. हाँ, इसके अंदर there is a reason और वो बहुत hidden है, मैं आपको बताता हूँ. चालू करूँ? Ready? Okay. Hey sir, आप COP/COGS क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये नई नवेली कंपनी है. कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे ओपनिंग एफजी और क्लोजिंग एफजी. हाँ, ओके. नवंबर 23 के होमवर्क क्वेश्चन में टोटल बेसिस वर्ड यूज नहीं किया है. ओके ओके, मैंने लिखवाया था. ओके, ICAI में टोटल बेसिस लिखा है वो लोग ने इसके लिए. और ICAI ने ये क्वेश्चन जो है ना वो टोटल बेसिस पे सॉल्व करके नीचे उसका कैश बेसिस का भी सोल्यूशन दिया है. मेरे को याद है मैंने तुमको होमवर्क दिया था कैश कॉस्ट बेसिस करने को. कोई नहीं, हम लोग, मैं तो आई विल एक्सप्लेन बोथ, डोंट वरी. फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन टोटल बेसिस. रेडी एवरीबॉडी? चालू करें? टोटल का एक क्वेश्चन तो कर लेंगे ना हम लोग. हाँ, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग कैश कॉस्ट पे करेंगे. समझ में आ रहा है ना? इफ नथिंग इज गिवन वी विल डू इट ऑन कैश कॉस्ट. रेडी एवरीवन? अच्छा, अभी है ना मेरे को चैट बॉक्स पे एक बहुत कंसर्निंग डाउट आया है. आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस. अकॉर्डिंग टू दैट डाउट, लिसन नो, अकॉर्डिंग टू दैट डाउट, उस स्टूडेंट को ऐसा लगा है कि एडमिन हैज बीन इंक्लूडेड इन सीओपी बिकॉज इट इज टोटल बेसिस. आई नेवर सेड सो. हेलो, I am telling you, depreciation has been added in the cost structure because of total basis. Admin का total और cash cost से लेना देना नहीं है. सबको समझ में आ रहा है? उसका अलग कारण है जो मैंने अभी तक नहीं बताया. सब लोग समझ सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? Everyone clear? Now someone is telling on the chat box, sir, we have included admin because it is connected to factory overheads. Someone is saying we have added admin because it is fixed. तुम लोग क्या बोल रहे हो यार? ऐसा अगर होता तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया फिर हम लोग ने? You are understanding? You have to always ask yourself. You are saying, अच्छा, where is it given that admin is connected to factory overheads? दिया क्या किधर? नहीं ना, तो पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं दिया था. तो पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया हम लोग ने सीओपी के अंदर? तो ऐसा कुछ भी आंसर नहीं देगा. मेरे को बोलने दो प्लीज. रेडी? लेट मी एक्सप्लेन. ओके, so I am telling you, I am right now keeping the logic of why we took admin here on hold. And when you look at it now, you will understand, my God, हम लोग क्या सोच रहे थे और क्या reality है. Ready everybody? Okay. Because एक बात समझो, मैं आपको कुछ भी reason दूंगा ना अभी why we are taking admin in COP, then you as a sincere student should counter argue. Then why we did not take it in the earlier? That reason could have been existing there also. जैसे मैं अगर तुमको ऐसा बोला के यू नो हम लोग ना यहाँ पे एडमिन है ना प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन कनेक्टेड वाला एडमिन है, ऐसा मैंने अगर भाषा यूज किया तो आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं अज्यूम किया हो? समझा? तो उसका वो सब कारण नहीं है, कुछ और ही है. मैं बोलू ना, टेंशन मत लो. रेडी एवरीवन? आई विल गो एड नाउ. सीओपी, बच्चा लोग बोलो हाउ टू गो टू सीओजीएस. क्या करूं? एड ओपनिंग एफजी
लेस क्लोजिंग एफ जी डू यू रियलाइज विल गिव यू सीओजीएस. ये नया है ना, हेलो न्यू 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 अलर्ट. हेलो, अब तक नहीं कर रहे थे ये सब, क्योंकि हम लोग सीओपी स्लैश सीओजीएस करते थे. जूम वालो करेक्ट ना, अब अपने को करना पड़ रहा है. रेडी नाउ स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस इज जीरो. कमन 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 कमन. ईयर वन का ओपनिंग जीरो है. ए पक्का समझा, वही तो पॉइंट है ना, वो न्यूली फॉर्मड है. हे लेकिन ये जीरो मत लेना घाई घाई में, बिकॉज यहां पे जो क्लोजिंग रहेगा ना दैट विल गो देर. एवरीवन फॉलोइंग? ओके. नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन अराइजेस, फ्रॉम वेयर टू गेट एफ जी. वी विल टॉक अबाउट इट इन सम टाइम. क्वेश्चन खत्म तो करना ही है ना, तो आएगा धीरे धीरे. ठीक है, एज ऑफ नाउ इसको अपन खुला छोड़ते हैं. कुछ समझ में आ रहा है? विल लीव इट ओपन. And so therefore, can I say we will not be able to find COGS right now. Students, now, let's see if you understand. There are selling distribution expenses given to you. Because there are selling distribution expenses given to you, do you understand COGS and COS will not be same. Isme can I say selling and distribution add hoga aur phir jaake COS aayega. Sab logon ko samajh mein aa raha hai yahan tak? एकदम क्लियर? ठीक है. अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वापिस लोचा है. वो बोलते हैं उसमें 80% वेरिएबल है, मतलब 20% फिक्स्ड है ना. तो मैं यहां लिखता हूं वेरिएबल और मैं यहां लिखता हूं फिक्स्ड. स्टूडेंट्स जो फिक्स्ड का कंपोनेंट है वो तुमको समझते हैं 12,000 के हिसाब से करना पड़ेगा. सो डू रियलाइज इट विल बी 12,000 इंटू 5 पर यूनिट इंटू 20%. एवरी वन क्लियर? 12,000 इंटू 5 इंटू 20%. तो मैं यहां लिखता हूं इंटू 5 इंटू 20% कितना आता है? 12,000. एंड दैट डू यू रियलाइज विल रिमेन फिक्स्ड ओनली. आई होप एवरी वन इज फॉलोइंग. अब वेरिएबल में ना, याद है वेरिएबल अपन पर यूनिट कर सकते हैं 5 × 80%. कैन आई से इज 4 rupees पर यूनिट. तो मैं यहां लिखता हूं 5 × 80% इज 4 rupees पर यूनिट. लेकिन कैन आई से इट इज 4 rupees पर यूनिट नॉट प्रोड्यूस्ड, इट इज 4 rupees पर यूनिट सोल्ड. एवरीवन क्लियर? इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस. सो दिस विल बी 5,000 यूनिट्स इंटू 4, दैट इज 20,000. एंड दिस विल बी 8,500 यूनिट्स इंटू 4, दैट इज व्हाट? 34,000. ये जब आप COGS में ऐड करोगे तब आपको मिलेगा COS. एवरीवन क्लियर? आपको मिलेगा COS. लेकिन इस क्वेश्चन में मैं COS पे नहीं रुक सकता हूं, मेरे को सेल्स भी लगेगा. अभी है ना, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, देर माइट बी सम ऑफ योर बुक्स जिसमें ये डिटेलिंग नहीं किया होगा ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली वो सेल्स पे जंप मारा होगा. रेडी नाउ, उससे भी सॉल्व हो जाएगा. ये सब इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुमको सीओएस का क्या गरज है? बोलो ना मेरे को. अगर आप लोग को टोटल बेसिस पे करने का है, इफ यू हैव टू डू ऑन टोटल बेसिस, कैन आई से सीओएस बिकम्स यूजलेस? डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स. So, वो बरोबर है आपके रिस्पेक्टिव नोटबुक्स में, वो जो बरोबर ही है. लेकिन क्या है ना, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, ये टोटल बेसिस पे करके मेरे को कैश कॉस्ट भी करवाने का है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आई वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू डू कैश कॉस्ट ऑल्सो, एंड हेंस यू शुड गेट इट करेक्टली. पूरा डिटेल में आपको आना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो चलो, COS एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है, बिकॉज मेरे पास COGS नहीं है. लेकिन सेल्स तो है ना यार, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको समझ में आ रहा है 96 है. तो मैं यहां लिखता हूं 8,000, आई एम नॉट सॉरी 8,000 नहीं, 5,000 यूनिट्स यू आर सेलिंग इनटू 96, 4,80,000 डू यू रियलाइज इज सेल्स, एंड 8,500 यूनिट्स यू आर सेलिंग इनटू 96, 8,16,000 यू आर गेटिंग सेल्स. स्टूडेंट्स अभी तक कौन सा मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है? एडमिन ओवरहेड्स. एवरीवन क्लियर? एडमिन ओवरहेड्स को सीओपी के पहले क्यों लिया, वो वाला मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व. डन, ग्रेट.
स्टूडेंट्स विद दैट वी फिनिश द डिस्कशन टू वर्किंग नोट वन ऑलमोस्ट. थोड़ा सा उसमें अभी मसाला डाल तड़का डालना बाकी है, बाकी भाजी रेडी है. रेडी एवरी वन, कैन वी स्टार्ट? ओके. नाउ आई वुड नाउ लाइक टू गो टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. सो आई विल नाउ आस्क यू ऑल टू लीव टू थ्री लाइन्स इफ यू आर राइटिंग विथ मी, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ और लिखवाना भी है. दो तीन लाइन छोड़ के हम लिखेंगे वर्किंग नोट वन, आई एम सॉरी वर्किंग नोट टू, एंड दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. एंड थैंकफुली यहाँ पे वो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, पीरियड सीधा सीधा दिया हुआ है नॉर्मल क्वेश्चन जैसा. अच्छा ये जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना वो फॉर ईयर वन एंड टू दोनों है, इसके ईयर टू में जाके WIPCB को ऑफ मत करना. हेलो ये कोई सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट नहीं चल रहा है, नॉर्मल शिफ्ट में काम कर रहे दोनों. सबने सुना ये होता है कभी कभी मिस्टेक. चलो सो क्या क्या दिया है. रॉ मटेरियल 2.25, सो कैन आई से RMCP 2.25 मंथ्स. WIP क्या बात है, याद है मैंने बोला ना WIP नील है, इसके लिए मैंने अभी तक एक एडजस्टमेंट सिखाया नहीं आपको, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी वाला है ना. ओके डेटर्स RCP 1 month, RCP 1 month. कैश बैलेंस दिया, ये क्या है PCP 1 month, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 1 month. सो आई राइट PCP भी 1 month, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी 1 month. रेडी, चलो ये यहां तक हो गया. अब अपने को अपना मेन आंसर में जाने का है, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है चलो, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. रेडी, इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर वन, ईयर टू, कैलक्यूलेशन अमाउंट, कैलक्यूलेशन अमाउंट. चालू करें. ओके अब बोलो ए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पॉइंट नंबर वन, RM स्टॉक पॉइंट नंबर वन, RM स्टॉक. रेडी ओके. अभी इधर देखना, RM स्टॉक निकल पाएंगे ना आराम से. इधर देखो 240,000 ईयर वन का ना इनटू 2.25 by 12, सिंपल है. चलो 240,000 into 2.25 by 12 कितना 40 है, 45, ओके 45,000. और बाजू वाला जो है वो है 360,000 into 2.25 by 12, 360,000 into 2.25 by 12, 67,500. रेडी ओके. दूसरा स्टॉक जनरली क्या आता है, WIP, बट वो तो इग्नोर करने का है अपने को. तो चलो अब फाइनली सारे राज खोल देते हैं अपन. रेडी FG स्टॉक. नाउ स्टूडेंट्स FG स्टॉक में अपन पता क्या करते हैं, COP इनटू मोए मोए. आपके पास FGCP नहीं है. एवरीवन रेडी, यू डोंट हैव FGCP. दिस इज वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. नाउ बहुत लोग लॉजिक दे रहे थे ना, एडमिन को क्यों लिया, दिस दैट, वो अभी सब राज खुलेगा स्टूडेंट्स. ये मैंने मेरा करियर शुरू किया था ना पढ़ाने में, दिस क्वेश्चन वॉज देयर सिंस देन. ओके बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत पुराना क्वेश्चन है. ठीक है 2018 में नया सिलेबस आया जो तुम्हारे लिए अभी ओल्ड हो गया है, करेक्ट. 2018 में जब वो नया सिलेबस आया ना, तब ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में कॉपी हो गया, सॉल्यूशन भी कॉपी हो गया. लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन प्रिंट होना रह गया. ओके
the line used to be exactly below, इधर ना इधर एक लाइन हुआ करती थी, उस लाइन में ऐसा लिखा था, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट वेटेड एवरेज ऑफिस costs. दिस लाइन got misprinted. Maybe the one who was typing must have thought क्या मतलब है इस लाइन का, छोड़ दो, लेकिन सोल्यूशन में उसका मतलब है. ये लाइन गायब. अब सर इस लाइन के वजह से क्या क्या हो रहा है, रेडी एवरीवन? और ये लाइन नहीं होने के वजह से लोग क्या क्या लॉजिक दे रहे ऑफ why admin got included and this and that. अरे there was no logic. There was a line given. Because I am telling you again, the moment I give logic for why I took admin, no, you have to counter why not you did in the earlier questions. As a student, now I used to hate it when there was no uniformity in the solution. Grip ही नहीं आता था यार. मतलब दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन किया, हाँ समझ में आया, चौथे में मोए मोए हो गया. अरे फिर आपने ये उधर क्यों नहीं किया, है ना, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यूज टू कम. ये तो उधर भी कर सकते थे फिर. तो आई एज अ टीचर आई ऑलवेज फॉलोड इट. आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू हैव यूनिफॉर्मिटी. सो देन आई विल नॉट गिव अननेसेसरी लॉजिक टू व्हाट आईसीए इज डूइंग. देर हैज टू बी सम रीजन. इफ सो देन द रीजन हियर इज दैट द एवरेज, या ये वर्ड है, अभी मैं आपको बोलता हूँ ये क्या है. ये वर्ड आया ना बच्चा लोग, आप मेरे को बात बताओ, एफ जी किस पे वैल्यू होता है? सीओपी पे. अब वो लोग कह रहे कि वो जो सीओपी है ना उसमें ऑफिस कॉस्ट भी घुसेगा. कुछ समझ में आ रहा है? ये सिंपल रीजन के वजह से ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन सीओपी. इट्स दैट सिंपल. सबको समझा? लॉजिक देने वालों, मैजिक समझा? प्रिंटिंग मिस्टेक था. क्लियर? Can I go ahead? Okay. Now the next question, sir, ये क्या है? चलो इसको स्टडी करते हैं अभी. Everyone ready? Let us try understanding this. This is ICI logic. Very good. Okay. So इसके लिए ना we will require a working note. ठीक है? अपन working note में जाके ये solve करते हैं. चलो. So मैं पहला आपको working note 3 point number A बताना चाहता हूँ. रेडी? चलो. सो यहां पे ना मैं लिखता हूं, कैलक्यूलेशन ऑफ क्लोजिंग एफ जी स्टॉक वैल्यू फॉर ईयर वन. है ना, पहला अपन ईयर वन का करते हैं. सब रेडी है? कैलक्यूलेशन ऑफ क्लोजिंग एफ जी स्टॉक वैल्यू फॉर ईयर वन. नाउ फाउंडेशन नाम की एक चीज हुई होके गई है आपके साथ. उसमें ना एक इन्वेंट्री नाम का चैप्टर था, इन्वेंट्री, FIFO, LIFO, एंड उसका जो वेटेड एवरेज है ना वो करने का अपने. सो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. हाँ, सो देर वॉज, बीकॉम में था क्या ये? कॉस्टिंग में है वेटेड एवरेज एंड ऑल दैट. हाँ, वेरी गुड. तो बस तो तुमको आता, तो इन्वेंट्री में क्यों जाने का, छोड़ो. सो देर इज ना, आई डू इट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक फैशन. यूनिट्स, आई एम सॉरी, आई फर्स्ट टेक पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट. ठीक है, सिंपल. तो उसमें क्या होता है, हम पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक. ईयर वन बोल रहा है भाई, मेरे पास कुछ नहीं क्योंकि मैं ईयर वन है. कुछ समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं लिखता हूं एड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. नाउ इन ईयर वन डू यू रियलाइज हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग? 6000. एवरीवन क्लियर? We are producing 6000. Now students, ये 6000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है? 6 lakh. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 6 lakh. देखो आराम से कॉस्ट स्ट्रक्चर में 6 lakh. जूम वालों समझा? ये 6 lakh यहां पे, हम यहां पे किधर गया हो? हाँ, यहां पे डालेंगे. जा रहा है भेजे में? अबे ना, वेटेड एवरेज में पता है क्या करते हैं,
हम ओपनिंग एंड प्रोडक्शन का दोनों का टोटल लेते हैं, एंड टोटल डिवाइडेड बाय टोटल करके ना एवरेज रेट निकलता है। आपको याद है ऐसा कुछ, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 एंड द रेट इज 100। नाउ यू विल फाइंड इट फनी, तो सर रेट इधर भी 100 ही था ना। हाँ, जब भी एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी रहती है ना, या तो और आई माइट से व्हेन द ओपनिंग स्टॉक इज जीरो, तो देन क्या लीफो, क्या फीफो और क्या वेटेड एवरेज, एवरीवन क्लियर? सारे के सारे रेट्स हो ही रहेंगे, नए वाले सबके भेजे में गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर पैटर्न आई विल डू इट। टोटल पे कैलकुलेशन किया मैंने 100। नाउ इन इन्वेंट्री चैप्टर, इसमें से हम बोलते हैं 6,000 में से हमने कुछ यूनिट्स बेचे, लिखना नहीं, हम लिखते हैं माइनस यूनिट सोल्ड, दैट इज आई थिंक 5,000 यू हैव सोल्ड इन ईयर वन, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक इज 1,000। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द सेल्स, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को इसका वैल्यू चाहिए ना भाई, सेल्स से क्या करूँ, आई एम गोइंग टू क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में ना मैं ऐसा लिखता हूँ, इधर देखो, 0 + 6,000 - 5, डोंट फॉरगेट द 0 बिकॉज देयर कुड बी एन ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो। एवरी वन क्लियर? सो देर आर 1,000 यूनिट विच आर लेफ्ट एट द एंड, एंड उस पर मैं ये वेटेड एवरेज रेट लगाऊंगा, एंड दैट कम्स टू रुपीज 1 लाख। सबको समझा? दैट कम्स टू रुपीज 1 लाख। ये 1 लाख बोलो कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर वन। एंड कैन यू नाउ रियलाइज, आपका ईयर वन का कॉस्ट स्ट्रक्चर जो अधूरा था ना, वो भी अभी खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई होप यू रियलाइज, यू कैन गो बैक हियर, राइट, यू कैन गो बैक हियर एंड यू कैन राइट 1 लाख हियर। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? यू कैन राइट 1 लाख हियर, दिस बिकम्स 5 लाख COGS, 5 लाख COGS, 5,32,000, 5,32,000 का COS। ए कंपनी को लॉस हुआ है, लॉस दिख रहा है आपको, कंपनी को लॉस हुआ है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में लॉस। मैं बोला ना कुछ दो दो तीन लाइन छोड़ना था आपको, प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस है? 52,000 का लॉस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सिंपल। एवरीवन रेडी? ओके, हे डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब सिमिलर कैलकुलेशन करके अपन ईयर टू का भी क्लोजिंग स्टॉक निकालते। चलो मस्त है ना क्वेश्चन, भारी भरकम एकदम, रेडी? चलो, सो पॉइंट नंबर बी, बाय द वे इसका सॉल्यूशन जो है ना, ये आपको पीडीएफ में आ जाएगा, ये सर ये आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस ना, वो तो आ जाएगा, बट आई थिंक यू आर ऑल डूइंग इट विथ मी। चलो पॉइंट नंबर बी, रेडी एवरीवन? पॉइंट नंबर बी, सो अभी हम लोग कैलक्यूलेशन ऑफ क्लोजिंग एफजी स्टॉक फॉर ईयर टू, रेडी? ओके, अब ईयर टू में वी विल डू पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ओपनिंग यूनिट्स, उसमें भी एड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ओपनिंग। ओपनिंग कहने से जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग रहेगा, ऊपर देखो 1,000, 100, 1 लाख आ गया। अब मैंने ईयर टू में कितने प्रोड्यूस किए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 9,000। हाँ, और ये 9,000 यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 7,80,000। सो आई विल गो बैक हियर एंड आई विल राइट हियर 7,80,000, बट वो 7,80,000 डिवाइड बाय 9,000 करने का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज मैं कोई लीफो वीफो नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम टेकिंग वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में मैं क्या बोलूंगा, टोटल मेरे पास 10,000 यूनिट है, उनका टोटल कॉस्ट है 8,80,000। सचिन, यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन एज अ वेटेड एवरेज आई विल डू 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000
and that gives me rupees 88. Done? And then I will ask myself, what is the closing stock? Students, the closing stock is not 500 units. Huh? Hello? 500 matlab kya malum? Log aisa bolte, sir, 9000 banaya, 8500 becha, 500 rupya. Yo, are na, aapko samajh raha, aapka 1000 rupya ka, 1000 unit opening bhi tha na, 1000 opening tha, phir aapne 9000 banaya, usme se aapne 8500 becha. So, can I say there is a 1500 units ka closing stock, which I will value at the weighted average rate of 88. That will come to 1,32,000. Zoom people clear? 1,32,000. अब मुझे बताओ कि कहाँ डालो? दो नहीं, पहले तो यहाँ डाल देना अपन. 1,32,000 working capital. ये तो है. And then I put this 132 here in the cost structure. And that will give me 7,48,000 as COGS. 796 na Gustav? Nahin. 794. 7,94,000 as the COS. Ye loss nahi hai, profit hai. 22,000 ka. Ready? There is a profit of rupees 22,000. All done? और मैं क्या बोलता हूं, ये करते करते ना, इफ यू रियलाइज अपना पॉइंट वन हो गया, देख लो, अलग से कोई पीएनएल नहीं बनाने का है, यही है आपका पीएनएल, हो गया ना, प्रॉफिट लॉस निकालने का था, निकाल दिया मैंने. ऑल डन. चलो, सो ये आपका वर्किंग नोट 3 रेडी. सो नाउ वी विल गो बैक टू अपना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में आई थिंक अपना रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया, एफजी स्टॉक हो गया, उसके बाद क्या आता है? डेटर्स ना, डेटर्स. लेकिन डेटर्स को इस पे वैल्यू करेंगे, सेल्स पे कर डालेंगे. आरसीपी कितना है? आरसीपी 1 month, आरसीपी इज 1 month, तो स्ट्रेट अवे सेल्स 4,80,000 एंड 8,16,000 ना. सो 4,80,000 इंटू 1/12, 8,16,000 इंटू 1/12, बोल 40,000, 68,000. सेल्स पे क्यों कर रहे हैं? टोटल बेसिस पे करने के लिए बोला है, इसके लिए. नहीं तो हम लोग सीओएस पे ही करते. फोर्थ कैश, कैश आई गेस इज गिवन 10,000. सो दिस इज 10 एंड दिस इज 10 गिवन. इसको 5-5 करके मत बांटना, दोनों साल का 10-10 है. ओके, आई थिंक वी आर डन विद द करंट एसेट्स, कुछ नहीं और. बोलो, 1,95,277,500. अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज मैं भूल गया, इधर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, उधर भी आएगा ना ये, आपको समझा क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी आएगा. रेडी? चलो, सो करंट एसेट्स डन. ओके, माइनस बी कैड बी करंट लायबिलिटीज. चलो, करंट लायबिलिटीज फर्स्ट, क्रेडिटर्स. लेकिन इसके लिए वर्किंग नोट 4 लगेगा. क्यों रे? क्योंकि अभी यू कैन नॉट अज्यूम आरएमसी एंड परचेजेस टू बी सेम. नो, दैट वाज द सेकंड चेंज इन न्यूली फॉर्मड. एक तो सीओपी सीओजीएस का था, एक ये था. सो वी विल गो हियर एंड आई विल राइट वर्किंग नोट 4, पॉइंट नंबर ए, कैलक्यूलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर ईयर 1. Calculation of creditors for year 1. Ready? Calculation of creditors for year 1. Abhi stop and listen.
पहले ना मेरे को परचेजेस निकालना पड़ेगा. परचेजेस विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस ओपनिंग आरएम प्लस क्लोजिंग आरएम, करेक्ट. नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम पता किधर से मिलेगा? देखो ईयर वन का दिया है 2,40,000. आई विल गो बैक, आई विल राइट ईयर 2,40,000. एक है ना इसे माइनस जीरो. अब बहुत बच्चे लोगों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्लोजिंग किधर से लेने का. अरे किधर से मतलब आपका जो ये रहेगा ना आरएम स्टॉक है ना आपके पास ईयर वन का एस्टिमेटेड आरएम स्टॉक, वर्किंग कैपिटल का जो मेन सेंटेंस स्टेटमेंट था उसमें आपको मिल जाएगा 45,000. सो यहाँ पे 45,000 एंड दैट गिव्स यू परचेजेस एज 2,85,000. And this I will now use for creditors, which will be purchases into, I guess PCP is 1 month, into 1/12. 23,750. ओके उसका भी करना पड़ेगा ना ईयर टू वाले का. पॉइंट नंबर बी, परचेज इज इक्वल टू, चलो व्हाट आर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर ईयर वन, आई एम सॉरी ईयर टू, 3,60,000. बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 3,60,000 फॉर ईयर टू. ओके माइनस ओपनिंग आरएम, ये कहना थे पहले ईयर वन का जो क्लोजिंग आरएम था वो अभी इधर ओपनिंग हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग आरएम. फ्रॉम वेयर विल यू गेट क्लोजिंग आरएम फॉर ईयर टू? वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ईयर टू, समझ रहा है सबको? जूम वालों 67,500 ना. कितना है परचेजेस? नो 382,500 इज द परचेजेस. देयरफॉर क्रेडिटर्स विल बी 382,500 इंटू 1/12 31,875 है सबको. ओके एंड दैट विल गो समवेयर. 31,875. उसके अलावा ना आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, और वो सारे के सारे कुछ वन मंथ दिया हुआ है. तो अभी ना आउटस्टैंडिंग पता है क्या क्या लेंगे आप लोग? सी फॉर ईयर वन नो यू विल टेक वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन एंड पूरा का पूरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ना, ऑल ओवरहेड्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर वन मंथ. एवरीवन क्लियर? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इसमें, अच्छा नहीं लगता ना आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन लिखने का. मारो सबका टोटल मारो वन शॉट एंड इनटू 1/12 करके बताओ कितना आता है. 22,667. वैसे ईयर टू वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग वेरिएबल फिक्स्ड बोथ, द होल इनटू 1/12 28,833. So you will get net working capital as, pehla wala kitna hai 216,792, idhar kitna hai 148,583. Ho gaya chota sa sum. Abhi hai na, suno
आपको है ना ये सब वापिस करना है घर पे, लेकिन कैश कॉस्ट बेसिस पे। सब लोग सुन रहे हो, अब कैश कॉस्ट बेसिस पे कैसे करोगे? मेरी बात सुनो, व्हेन यू मेक द कॉस्ट स्ट्रक्चर ना अगेन, जस्ट डोंट टेक डेप्रिसिएशन। आर यू ऑल देयर? जस्ट डोंट टेक डेप्रिसिएशन एंड स्टॉप एट COS। नहीं समझा? एंड व्हेन यू विल बी डूइंग डेटर्स, टेक इट ऑन COS करो, और खुद ही ICA के मॉडल के टैली कर लो आंसर। सबने सुना मैं क्या बोल रहा हूं? यू विल ट्राई, ओके। ICA के मॉडल में मिल जाएगा, ICA के मॉडल में ये आंसर भी तुमको मिलेगा टोटल बेसिस वाला, और उसी के नीचे उन्होंने कैश कॉस्ट वाला भी कर दिया। टैली इट देयर, ओके, रेडी? चलो, सो न्यूली फॉर्म्ड हो गया। अब न्यूली फॉर्म का एक और क्वेश्चन है, दैट इज अनेजा। चलो, सो अभी है ना, देर इज, यू रिमेंबर दैट देर वॉज दिस डिस्कशन दैट न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज का थर्ड पॉइंट बाकी था अपना, थर्ड, दैट वॉज WIP स्टॉक का जो इम्पैक्ट है वो। तो बिफोर आई गो टू थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या था? इफ इट्स अ न्यूली फॉर्म कंपनीज, यू कैन नॉट अज्यूम ओपनिंग RM एंड क्लोजिंग RM टू बी सेम। उसके वजह से RMC एंड परचेज सेम नहीं होता है। उसका इंपैक्ट क्रेडिटर्स पे आता है। रेडी एवरीवन? दूसरा है ओपनिंग FG, क्लोजिंग FG इज नॉट सेम। उसका इंपैक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर में आता है। यू कैन नॉट अज्यूम COP, COGS टू बी सेम। एंड देन COP विल बी COP प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग FG विल गिव COGS। अब थर्ड WIP, अभी ना इसको मैं शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता है, देखो। रेडी? सी, आई विल गिव यू एन इडली एग्जाम्पल फॉर दिस। रेडी? सी, सो इमेजिन यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ इडलीज। मॉर्निंग यू वोक अप एंड यू आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चर इडलीज, प्रोड्यूस, कुक, ओके। नाउ व्हेन यू वोक अप ना, एक दिन पहले का आधा बनाया हुआ हाफ कुक्ड 20 इडलीज था आपके पास। स्टोरी क्लियर? हाफ कुक्ड 20 इडलीज। नाउ टुडे माई डिजायर इज आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 100 इडलीज। रेडी? माई डिजायर इज आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 100 इडलीज। तो डू यू रियलाइज, आपको अगर अच्छा, एक इडली बनाने का टोटल कॉस्ट 10 रुपए आता है, और आधा इडली बनाने का कॉस्ट 5 रुपए आता है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कीप सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको 100 इडलीज बनाने का है, तो आपको खर्चा 100 × 10 1000 थोड़ी आएगा, बिकॉज 20 तो ऑलरेडी आधे बनाए हुए आपके पास पड़े। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाट यू विल डू, यू विल मैन्युफैक्चर ब्रांड न्यू 80 इडलीज, फॉर विच × 10 ₹800 का खर्चा होगा, एंड जो बैलेंस 20 है उसके लिए कहना इसे × 5 ओनली करेंगे ना खर्चा। एवरीवन क्लियर? × 5 एंड दैट इज 100, सो ओवरऑल कॉस्ट कम्स टू 900। एवरीवन क्लियर? बट देन समवन टेल, सर नहीं नहीं नहीं, और ₹100 का खर्चा होगा सर, 900 नहीं 1000 होएगा। बोला क्यों? क्योंकि सर आपको है ना आज के दिन में क्लोजिंग भी रखने का है ना 20 हाफ मेड इडलीज। कुछ समझ में आ रहा है? सो इफ यू वॉन्ट टू कीप 20 क्लोजिंग हाफ मेड इडलीज, then do you realize you'll have to spend 100 rupees more, that is 20 × 5। example pura samjha? ab is example ko simplify karte hain। mere paas 20 half made idlis thi start mein, mere ko 20 half made idli rakhna hai end mein,
हाँ तो ठीक है, तो 100 यूनिट इंटू 100 पूरा, 100 यूनिट इंटू 10 1000 रुपये पूरा खर्चा करना पड़ेगा ना, सिंपल। एवरीवन क्लियर? आई हैव टू स्पेंड फॉर द एंटायर 1000, नहीं समझा? सो फर्स्ट अजम्पशन इज दैट द 20 हाफ मेड यू हैड यू फर्स्ट कंप्लीटेड इट, फॉर दैट यू हैड टू स्पेंड 20 इंटू 5, दैट इज 100। Then you did 80 into 10 new, that is 800. So total cost कितना हो गया अब तक? 100 इडली बनाने का cost 900 रुपीज हो गया, plus I spent another 100 to manufacture 20 units of closing WIP. Everyone clear? It is 20 into 5. Second assumption, sir, मेरे पास जो opening WIP था ना, मैंने उसी को closing रखा एंड 100 units ऑफ इडली ब्रांड न्यू बनाया 10-10 रुपए पे, तो मेरा खर्चा इधर से भी 1000 रुपए दिख रहा है आपको। एवरीवन क्लियर? फीफो लीफो का डिफरेंस था दोनों एग्जाम्पल में। एवरीवन क्लियर ना? जा रहे भेजे में? तो अब तक सुनो एकदम ध्यान से, अब तक हम जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कर रहे थे पता है कैसा था? कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 100 units ऑफ इडली टू बी मेड, हमारा पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमेशा एफजी यूनिट्स जो मुझे बनाने का है ना उसके ऊपर ही बनता था हमेशा, करेक्ट? सो दैट मींस इफ 1 यूनिट ऑफ एफजी टेक्स 10 रुपीज टू बी मेड एंड यू वांट टू मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स, डू यू रियलाइज योर कॉस्ट स्ट्रक्चर विल शो 1000 रुपीज? बट देन द क्वेश्चन कुड हैव अराइजन दैट सर अगर मैं 1000 रुपया खर्चा कर रहा हूं तो 10 रुपए के हिसाब से मेरा 100 इडली तो बन जाएगा, लेकिन सर फिर क्लोजिंग WIP किधर से आप बन रहे हैं हमारा? हम तो खर्चा नहीं कर रहे क्लोजिंग WIP के लिए, वी आर स्पेंडिंग ओनली फॉर FG, फ्रॉम वेयर डिड क्लोजिंग WIP बिकम बॉर्न हियर? सो आई विल से हे वी डिड नॉट स्पेंड सेपरेटली फॉर क्लोजिंग WIP बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट इज सेम एज ओपनिंग WIP, एंड ओपनिंग WIP था ना वही क्लोजिंग बना के हम लोग आगे जा रहे थे, समझ में आ रहा है? इसके लिए क्लोजिंग WIP के लिए मेरे को अलग से कोई खर्चा करना नहीं पड़ा था अब तक। बट अगर आप न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हो तो आपको 100 यूनिट्स ऑफ इडली इंटू 10 वो 1000 रुपए खर्चा करोगे ना तो सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ इडली बना पाओगे, आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा वो क्लोजिंग 20 WIP को एकोमोडेट करने के लिए। एवरीवन क्लियर? बिकॉज नाउ यू डोंट हैव ओपनिंग WIP ना टू कीप इट एज क्लोजिंग। एवरीवन फॉलोइंग? हेंस फॉर दैट रीजन आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर हैज टू स्लाइटली स्वेल अप। व्हाई इट हैज टू स्वेल अप? इट हैज टू स्वेल अप बिकॉज इफ आई मेक द कॉस्ट स्ट्रक्चर ओनली फॉर FG यूनिट जो अब तक करते आ रहे थे तो तुम्हारा FG यूनिट बन जाएगा, क्लोजिंग WIP का स्टॉक नहीं बचेगा। कुछ समझ में आ रहा है? उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। सर अलग से खर्चा अब तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग WIP था ना, आई वॉज अज्यूमिंग वही क्लोजिंग है तो क्यों खर्चा करूं अलग से? जूम वालो क्लियर एकदम? सो दिस इज द चरम सीमा ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर वेर इट इज न्यूली फॉर्म्ड ऑल्सो एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट WIP ऑल्सो। ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज अनेजा लिमिटेड एंड इसका भाई है वो PQ लिमिटेड जो मैंने आपको बोला ICA के मॉडल से देख लेना, समझा? चलो रीड द क्वेश्चन प्लीज। सो व्हाट दे आर सेइंग, अनेजा लिमिटेड, ओके, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ना, आई विल वॉन्ट यू ऑल टू हेल्प मी लाइक दिस। मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा आपको, ऑपरेटिंग साइकिल भी करके दे दूंगा। एक क्वेश्चन तो करेंगे खुद से, ये वाला अभी अभी सामने ही मेरे, यू विल ट्राई एस्टिमेशन स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ट्राई करो, ठीक है? चलो, अनेजा अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हैज अप्लाइड टू द बैंक फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस फॉर द करंट ईयर। ओके, नाउ सी हाउ द इन्फॉर्मेशन दे आर गिविंग, दे आर सेइंग हम लोगों को है ना 104,000 इडली तो बनाना ही है, उसके अलावा आधा बनाया हुआ 4,000 इडली चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? सो देन डू यू रियलाइज स्टूडेंट्स दैट योर
कॉस्ट स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। हाँ एवरीवन रेडी? सो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या 5 है ना इधर, वर्किंग नोट 1 कॉस्ट स्ट्रक्चर। एंड इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर आई विल से पर्टिकुलर्स फॉर 1,04,000 यूनिट्स ऑफ एफ जी, फॉर 4,000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी टोटल। देखो ये नया है अभी, अब तक यही चलता था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये डब्ल्यू आई पी वाला नया है। ओके लेट मी स्टार्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, नाउ हाउ मच रॉ मटेरियल आर कंज्यूमिंग? 80 रुपीज पर यूनिट लगता है। अच्छा मतलब एक पूरा इडली बनाने के लिए 80 रुपीज का आटा लगता है, तो 1,04,000 इडली बनाने के लिए 83,20। थैंक यू 83,20। हे लेकिन इतना ही आटा खर्चा करोगे तो 1,04,000 इडली तो बन जाएगा, लेकिन 4,000 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इडली नहीं बनेगा। हाँ तो तुमको समझता है उसके लिए मुझे और खर्चा करना पड़ेगा? नहीं, अभी मेरी बात सुनो। फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस लाइन। फर्स्ट रीड दिस, देयर इज अ रीजन। याद है कल का लेक्चर? सो दे आर सेइंग दैट अज्यूम 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इधर रुक गए होते हैं ना अगर, तो आई वुड हैव टेकन 50 50 50। आर यू देयर? बट बिकॉज दे आर यूजिंग दिस लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, फॉर दैट रीजन आई विल टेक 100 50 50 50 50 ओनली बिफोर कन्वर्जन, दैट इज वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो 4,000 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी बनाने के लिए 80 रुपया तो भाई साहब पूरा का पूरा लगेगा आपको, 100% रॉ मटेरियल लगेगा, दैट इज 3,20,000। एंड देयरफॉर टोटल आपका आर एम सी है ना 86,40 यहाँ पे। Yes. Done. Let's go to wages. Ready? Wages. एक इडली बनाने की कीमत 30, करेक्ट? तुम जानो है थर्टी रुपीज का लेबर लगता है। रेडी? 30 रुपीज का लेबर लगता है, तो यहां पे हम करेंगे 1,04,000 इंटू 30। आई थिंक दिस इज 31,20,000। हे लेकिन ये 4,000 पे पूरा लेबर डाल देंगे ना तो वो इडली बन जाएगा, तुम्हारा इडली हो जाएगा। ए हेलो एवरीबडी, क्लियर? यू हैव टू मेक हाफ मेड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज 50% ना, कितना आता है 60,000। सो दिस विल बिकम 31,80,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 60 रुपीज पर यूनिट लगता है, सो दिस इज 1,04,000 इंटू 60, 62,40,000 लगेगा इडली बनाने के लिए। और आधा बनाया हुआ इडली बनाने के लिए 4,000 इंटू 60 इंटू 50% लगेगा 1,20,000, 63,60,000। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को आपने 50% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट इज वेजेस एंड ओवरहेड्स ओनली। आगे जाए? ओके अभी है ना मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो यहां टोटल आएगा ना ये वाला, वो कितना आता है? ये है ना 1,81,80,000, इसको कॉस्टिंग में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। ये आपका जीएफसी हो गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। All done. How do I go from GFC to NFC? Add opening WIP
less closing WIP will give you net factory cost, which we also called as COP. हे अभी मेरे को मालूम है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी जीरो है, नया है ना, और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी डू यू रियलाइज इसका टोटल है, एंड दैट इज आई गेस 5 लाख. एवरीवन फॉलोइंग? 5 लाख इसका टोटल, एंड दैट आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर. एवरीवन फॉलोइंग? नो, आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर and I will get 1,76,80,000 as the COP. Zoom वालों समझ रहा है? अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. ये जो 1,76,80,000 आया ना, everyone listen no, is the cost of production of finished goods. You could have you just add this. ये जो FG वाला column है ना, इसको ऐड करो. FG वाला जो कॉलम है ना उसको ऐड करो, आपको एग्जैक्टली वही नंबर आएगा, 1,76,80,000. आर यू देयर? लेकिन अभी क्या है, हम लोग क्या अब तक है ना इसी नंबर को लेके आगे जा रहे थे, लेकिन अब मेरे को थोड़ा इसको सुझाना पड़ा. समझ में आ रहा है? एंड आई ब्रॉट इट टू 1,81,80,000. एंड यू सी द फन पार्ट इज In 1,76,80,000, I am adding 5 lakh. It becomes 181, and then I am removing the 5 lakh. It again goes back to 1,07,00,000. Then you will say, then why are you doing this? I am doing this because I want these numbers, na? Hello, everyone, clear? कल को मेरे को वो लोग बोलेंगे RM stock, RM period is 3 months. I will do this into 3/12. Are you all there? सबको समझा? Now, do you realize once I reach 1,76,80,000, life moves on as normal. Everyone clear? एक बार वहां पहुंच गए तो नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन 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 न्यूली फॉर्म्ड होने के वजह से डू यू रियलाइज यू कैन नॉट अज्यूम सीओपी सीओजीएस टू बी सेम. याद है ना, वो तो रूल्स कंटिन्यू होगा ही. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस विल बी एड ओपनिंग एफ जी लेस क्लोजिंग एफ जी एंड दैट विल गिव यू सीओजीएस. दैट विल गिव यू सीओजीएस. हे ओपनिंग एफ जी डैश. ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज. दे हैव इन द क्वेश्चन नॉट गिवन यू एफ जी सी पी. एफ जी सी पी दिया होता तो मैं सीओपी इंटू एफ जी सी पी करके खत्म कर दिया होता. इधर उन्होंने ना आपको एफ जी के यूनिट्स दिए, यूनिट्स. नाउ डू यू रियलाइज जब यूनिट्स देंगे तो वो यूनिट्स को मैं किसी रेट से मल्टीप्लाई करके मेरे को वैल्यू मिल जाएगा. कहाँ किया? अरे अब भी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था पूरा, नहीं क्या वो इन्वेंट्री चैप्टर का वेटेड एवरेज करके किया था. वो भी तो एफजी का यूनिट ही था ना. कुछ पहले वाले साल में कुछ 1,000 यूनिट था क्लोजिंग में, दूसरे वाले साल में 1,500 था. यहाँ पे उन्होंने सामने से बोल दिया, भाई साहब आपका 8,000 यूनिट बचेगा. नाउ द क्वेश्चन इज इसको मैं कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूं. तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हो न्यूली फॉर्म्ड, कैन आई से क्या लीफो, क्या फीफो और क्या वेटेड एवरेज. डू यू रियलाइज ये जो आपको कॉस्ट पर यूनिट लगा है ना, उसी कॉस्ट पे तो जाएगा और क्या, बिकॉज देर इज नो अदर कॉस्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देर इज नो अदर कॉस्ट. जूम वालो क्लियर? एंड हेंस there is no मेहनत only to be done here. You straight away take 8,000 in multiply by 170. कितना आता है? 13,60,000. And that gives you COGS is how much? 1,63,20,000. And since there is no office admin selling distribution, we end it here at COS. एकदम समझा? We end here at COS. बस एक स्टेज अपना मेन खत्म हो गया. अभी टाइम पास वाला स्टेज, वर्किंग नोट टू, ऑपरेटिंग साइकिल. चलो सब लोग ऑपरेटिंग साइकिल. हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल में इन्होंने इधर सब डेटा दिया है. देखो एक एक पढ़ते जाओ. आरएम का स्टॉक 8 वीक्स. सो क्या लिखेंगे? आरएम सीपी 8 वीक्स. डब्ल्यू आई पी हो गया, एफ जी हो गया. ओ आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी.
4 weeks. ओके चलो नेक्स्ट. हाँ पीसीपी 4 वीक्स दिख रहा है आपको. चलो पीसीपी 4 वीक्स, आरसीपी 8 वीक्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1.5 वीक्स है एंड नीचे बोला है वेजेस एंड ओवरहेड्स. ओ नो नो नो, अक्रू सिमिलरली, इरेलेवेंट लाइन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वो पेड सिमिलरली होता तो वो आउटस्टैंडिंग होता. जा रहा है भेजे में, कल मैंने बताया था यार, अभी मत बोलना वापिस. यस्टरडे आई टोल्ड यू बोथ आर अक्रूड सिमिलरली. हाँ तो ठीक है, दैट डजंट मीन बोथ आर आउटस्टैंडिंग. अगर पेड सिमिलरली होता ना तो देन इट वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग. ओके चलो आई थिंक इतना ही, और कुछ है नहीं. सो स्टूडेंट्स कैन आई गिव यू 5 मिनट्स, वुड लाइक टू ट्राई दिस स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी तरफ देखो, एक मिनट रुको, मिस्टेक ना हो इसके लिए बोल रहा हूँ. आर एम स्टॉक जब भी लेंगे ना तब उसके लिए आर एम सी 8640 वाला देना, ये वाला, ये समझ में आ रहा है, 8640 वाला देना. एवरी वन क्लियर? इन टू आर एम सी पी बाय जो भी है. डब्ल्यू आई पी स्टॉक निकलने बैठना मत, हो गया है 5 लैक्स, देखो सामने ही है. एफ जी स्टॉक निकलने बैठना मत, हो गया है 13 लैक 60. डेटर्स निकलना पड़ेगा COS पे, कैश दिया रहेगा, हो गया करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के लिए वर्किंग नोट लगेगा, न्यूली फॉर्म कंपनी है, परचेजेस करना पड़ेगा एंड देन आउटस्टैंडिंग वेजेस करके मेरे को आंसर लाके देने का. चालू करेंगे, स्टार्ट. तुम लोग भी कर ही लो, मतलब मेरा वो नोट्स पे ध्यान मत देना, अभी ट्राई करो. ये देखो सामने सब कुछ रखा है. चलो आगे जाते हैं. सो मुझे बोलो आरएम स्टॉक कितना है? 664,615. डब्ल्यू आई पी स्टॉक 5 लाख. एफ जी स्टॉक कितना? 13,60,000. डेटर्स कितना? कैश है 25,000. टोटल 50,60,384. क्रेडिटर्स 715. आउटस्टैंडिंग वेजेस 91,731 एंड दैट शुड गिव यू 42 लाख. ओके 42,52,913. अरे क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर्स में क्या किया हम लोग ने? क्रेडिटर्स के लिए पहले अपने को परचेज निकालना पड़ा ना. परचेज का फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस ओपनिंग आरएम प्लस क्लोजिंग आरएम. आरएमसी बोलो कितना है? 86,40,000 माइनस 0 प्लस 664,615 कितना है? 93. ओके एंड देयरफॉर क्रेडिटर्स विल बी 93,04,615 इनटू 4/52, which is 715,740. ये वेजेस का क्या सीन है? आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे आया बोल दे. 3150 है. 31,80,000 इंटू 1.5/52 ऐसा है आउटस्टैंडिंग, समझा? ओके डेटर्स, ए डेटर्स कैसे आया? डेटर्स बोलो मेरे को जरा. ए 1632, 1,63,20,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना. इनटू आरसीबी कितना है? 8/52. डेटर्स वाले जरा चैट बॉक्स पे यस डालना, आपको समझा?
क्या चाहिए? क्लोजिंग आरएम. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग आरएमसी. आरएमसी इज आरएमसी. आरएम स्टॉक होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग. और वो आई होप यू रियलाइज यहां से आया. चलेगा, खुद से किया ना, मजा आया ना, बस हो गया और कुछ नहीं. समझ में तो आया कि क्या आता है. सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ फिनिश गुड स्टॉक केम, बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, वी हैड ऑलरेडी गॉट इट. ये देखो मैजिक, ऊपर था ना ऑलरेडी. समझा? चलो, सो डन. सो अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया अभी. अभी है ना एक चीज, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा. दिस इज वेयर वी हैव टू जस्ट फाइंड द नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन. चलो ये करते. लेट्स रीड क्वेश्चन 4. द फॉलो, एक्चुअली ना ये वाला अच्छा क्वेश्चन है. द ये वो गंदा वाला नहीं है जिसमें अपने को करंट एसेट्स दिया है, साइकिल दिया है, अपने को साइकिल निकालने का है. उसका ऑलरेडी अपन ने वो सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट में एक एक्सपीरियंस कर लिया ना हम लोगों ने, वेयर रॉ मटेरियल स्टॉक इज गिवन, आर एम सी इज गिवन एंड वी हैड टू फाइंड आर एम सी पी. वो हो गया अपना. यहाँ पे डायरेक्टली आर एम सी पी ये सब दे दिया. ठीक है, चलो. सो दे आर आस्किंग यू, ये देखो आर एम सी पी दिया है, डब्ल्यू आई पी सी पी दिया है, एफ जी सी पी दिया है, रिसीवेबल्स पीरियड दिया है, पेएबल्स का पीरियड दिया है, और वो पूछते हैं व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. कुछ नहीं करना है. दिस मैंने आपको यस्टरडे फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल में नहीं क्या सिखाया था, सारे करंट एसेट पीरियड ऐड होके अपना एग्जांपल में आते 40 डेज आया था, और 40 में से 15 दिन का पीसीपी माइनस करेंगे तो याद है 25 डेज का नेट आता है. बस वही करना है, ऐड ऑल ऑफ दिस एंड सब्ट्रैक्ट द पेएबल्स एंड इट कम्स टू 80 डेज. देन दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी सच साइकिल्स. तो अगर एक साल में 360 डेज है तो कहना है 360 डिवाइडेड बाई 80, 4.5 साइकिल्स. बरोबर है. पॉइंट नंबर 3, तुम मालूम समझा ना क्या चल रहा है. पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी. तो नाउ इफ यू सी, हम लोग ने करते आ रहे ना कब से, कि कॉस्ट स्ट्रक्चर इन टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड by 360 will give working capital. Now we have never done it on total basis like this because it gives a very approximate kind of answer. We always go individual. Raw material consumed into RMCP by 360 will give RM stock. COP into FGCP, ऐसा करके individually करते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास इंडिविजुअल पीरियड्स तो है, लेकिन मेरे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं है ना, उस कारण के वजह से मैं टोटल कॉस्ट पे खत्म कर रहा हूँ. यहाँ पे आई एम टेकिंग 21 लाख, बट 21 लाख इंक्लूड्स 2 लाख 10 का डेप्रिसिएशन, सो आई विल टेक ओनली 18 लाख 90 टोटल. एंड सिंस आई हैव टेकन टोटल, आई विल टेक द पीरियड ऑल्सो टोटल, दैट इज 80 डेज. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एवरीवन क्लियर? ये आंसर ऑफकोर्स अप्रोक्सीमेट है, इट इज नॉट एन एक्यूरेट आंसर, बट अभी अपने कोई स्कोप ही नहीं है उसके अंदर. एंड तुमको वैसे भी 8:15 क्या फर्क पड़ता है अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट के बीच में, है ना? आंसर जो है वो है एवरीवन. बोलो कितना आता है डब्ल्यू सी? 4,20,000. रेडी एवरीवन? 4,20,000. हाँ, पॉइंट नंबर 4. रेडी? पॉइंट नंबर 4. नेक्स्ट, द कंपनी इज मार्केट लीडर. वाह वाह, वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर. वाह. तो वो बोलता है अभी इतना हम लोग है ना, ऐसा है ना, तो हम लोग अभी काय को सेल्स को क्रेडिट पे देने का, हम लोग कैश सेल्स करेगा. अरे आप लोग कैश सेल करोगे तो कहने से आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से डेट कलेक्शन पीरियड गायब हो जाएगा. सिंपल. सो इफ डेट कलेक्शन पीरियड बिकम्स गायब, रिवाइज पीरियड कहने से विल बी 80 - 45, दैट इज 35. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 35 डेज. एवरीवन क्लियर? हेलो. एंड देन वो 35 होने के वजह से कहने से वर्किंग कैपिटल भी अभी 35 डेज के हिसाब से 420 के जगह पे कितना? 183,750. यू श्योर? 183,750 रुपीज का हो जाएगा. समझा ना? जो 80 डेज पे कैलकुलेशन किया था वो 35 पे होएगा. और फिर ये भाई साहब पूछते हैं व्हाट वुड बी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल. रिडक्शन क्या? पहले 420 था,
अभी 183 हो गया तो 2,36,250 कुछ तो आता है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं रहा इसके अंदर, टाइम पास है, डन। नाउ द लास्ट स्टूडेंट्स, टंडन कमिटी ना, आई विल सिंपली टेल यू लाइक दिस, सिंपल है, टंडन नाम की कमिटी है। वो कमिटी नहीं, मतलब कमिटी थी, बहुत पुराना कमिटी है। उन्होंने ना क्या एडवाइस दिया मालूम गवर्नमेंट एंड बैंक्स को, कि आप लोग है ना, जब भी आपके पास कोई वर्किंग कैपिटल का लोन मांगने को आता है, लोन, तो आप लोग कैसा सीधा सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल ले लो लोन, ऐसा करते हो ना, उसमें क्या हो रहा है, उनका अगर 100 रुपीज का करंट एसेट्स है, 30 रुपए का करंट लाइबिलिटी है, तो यार बाकी 30 रुपया करंट लाइबिलिटीज ने हेल्प किया, 70 रुपीज बैंक आप हेल्प कर रहे हो, कंपनी की क्रेडिबिलिटी किधर है? वेयर आर दे इन्वेस्टिंग? सो यू शुड ऑल्सो पुट लिटिल बिट ओनर्स ऑन देम, वॉज दे आर सजेशन। एंड अकॉर्डिंगली दे सेड, दे गेव 3 फॉर्मूलाज टू डिसाइड वॉट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस, हाँ, MPBF, वॉट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस दैट शुड बी गिवन। अब इसमें है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 3 अलग अलग फॉर्मूला दिया है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, अपने को तीनों फॉर्मूला सीखने के। तो वो लोग ने ऐसा बोला कि लेट से देयर इज अ ग्रेड ए कंपनी, तो उसमें द मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस शुड बी 75% ऑफ CA माइनस CL। If it is grade 2 company, it should be 75% of CA. सुनने में सेम लगता है लेकिन ब्रैकेट देख लो कैसे कर रहा हूं, 75% ऑफ CA, द होल माइनस CL। थर्ड, MPBF शुड बी इक्वल टू 75% ऑफ CA माइनस कोर CA, द होल माइनस CL। Now they will give you CA, they will give you CL, and they will give you core current assets. Let's say core current assets are 10 rupees, which is a part of 100. Core current का मतलब ये रहता है कि company तुम्हारे 100 rupees के current assets से मेरे को समझता है, लेकिन इस 100 में से what do you consider is the core of everything, without which you can't function? उसमें जनरली क्या रहता है, कैच रहेगा, स्टॉक रहेगा, यूर अंडरस्टैंडिंग ना, ये दोनों आइटम तुम्हारे मेन रहते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन एंड कंपनी टू कंपनी एंड ऑल दोज थिंग्स। एवरीवन क्लियर? सो वी डोंट नीड टू एंटर इनटू दोज लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। हमको ये 3 नंबर दे दिए रहेंगे, CA दे दिया रहेगा, CL दे दिया रहेगा, कोर CA दे दिया रहेगा। आपको क्या करने का, आपको नंबर डालने का है, तो कैन आई से दिस इज 75% ऑफ 100 माइनस 30, करो ना जरा, 75% ऑफ 70 कम्स टू हाउ मच, 52.5। दिस इज द MPBF मैक्सिमम लोन, विच मीन्स पहले बैंक आप तो पूरा 70 रुपीज का लोन देते थे ना, अभी 70 मत देना, 52.5 ही देना, बाकी 17.5 खुद के जेब से डालने दो लोग को। दैट इज द फर्स्ट, इफ यू आर ग्रेड टू कंपनी, दिस विल बी 75% ऑफ 100 माइनस 30, सो दिस इज 75 माइनस 30 एंड दैट कम्स टू 45। बैंक आप जो पहले 70 का लोन दे रहे थे उतना मत देना, फालतू कंपनी है, आप मैक्सिमम 45 देने का, बाकी 25 रुपीज जेब से डालने बोलना वो लोग को। एवरीवन क्लियर? एंड थर्ड इट इज, रेडी एवरीवन, थर्ड इट इज 75% ऑफ 100 माइनस 10 माइनस CL, so this is 75% of 90 minus 30, help me, final answer 37.5, company इतना ही maximum loan देने का। ऐसा करके वो 3 stage में आपको आएगा question, वो नहीं आता था कभी भी, अचानक May 2022 के paper में डाल दिया वो लोग, May 2022 के paper में है, and study model में मिलेगा आपको ये। everyone clear?